यस पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे सब लोग? होप सो आप सब लोग बहुत बढ़िया रहेंगे। मैं बता दूं, मैं भी बहुत अच्छा हूं। तो लास्ट लेक्चर में हमने असेसमेंट प्रोसीजर को रिवाइज किया था। असेसमेंट प्रोसीजर में एक फेसलेस असेसमेंट वाला पार्ट बाकी था, तो आज मैं आपको सिखाने वाला हूं फेसलेस असेसमेंट। तो फेसलेस असेसमेंट से रिलेटेड चीजें हैं जो आपके कॉम्पैक्ट में वॉल्यूम 2 है, उस वॉल्यूम 2 के लास्ट में जो 6 ब्लैक एंड व्हाइट पेजेस दे रखे हैं वो आपको रेफर करने हैं। वहां पे एक सेक्शन दे रखी है 144B, एंड दैट 144B सेक्शन इज एप्लीकेबल फॉर योर एग्जामिनेशन। पहले फेसलेस असेसमेंट से रिलेटेड नोटिफिकेशन हुआ करता था, बट फ्रॉम 1 अप्रैल 2021 दैट नोटिफिकेशन इज नॉट एप्लीकेबल। नाउ देयर इज अ न्यू सेक्शन दैट इज 144B, एंड 144B इज एप्लीकेबल फॉर योर एग्जामिनेशन। और आईसीआई ने भी अपने मटेरियल में 144B को कवर किया है, तो मैं आपको सेक्शन 144B पढ़ाने वाला हूं। आप लोगों के पास ये चार्ट दे रखा होगा जो यहां पे दिख रहा है, ऐसा चार्ट आप लोगों के पास में रहेगा आपने अगर कॉम्पैक्ट रेफर किया है तो। और अगर आपके पास ये चार्ट नहीं है तो कोई बात नहीं, आप एक काम करो, bhavarburana.com पे जाओ, वहां पे फ्री रिसोर्सेज में फेसलेस असेसमेंट और फेसलेस अपील से रिलेटेड चार्ट दे रखा है, वहां से डाउनलोड करो, प्रिंट मारो, आपके पास आ जाएगा। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं फेसलेस असेसमेंट। सो फेसलेस असेसमेंट स्कीम क्या होता है, ऑल पीपल जस्ट पे अटेंशन, यहां पे आपका पूरा ध्यान होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं बता दूं इन्होंने क्या किया कि दिल्ली में एक सबसे बड़ा सेंटर बनाया जिसको बोला जाता है नेशनल फेसलेस असेसमेंट सेंटर। नेशनल फेसलेस असेसमेंट सेंटर जिसको पहले बोला जाता था नेक, दैट इज नेशनल ई असेसमेंट सेंटर। तो मैं इसको बोलता हूं नेक, अभी भी मैं इसको बोलूंगा नेक, दैट इज नेशनल ई असेसमेंट सेंटर। तो देखो ये दिल्ली में एक सबसे बड़ा सेंटर बना दिया जिसका नाम है नेक, दैट इज नेशनल फेसलेस असेसमेंट सेंटर और नेशनल ई असेसमेंट सेंटर। अब एक बात समझना, नेक के अंडर बहुत सारे रैक है, बहुत सारे रैक है। नाउ रैक का मतलब होता है रीजनल फेसलेस असेसमेंट सेंटर, या पहले इसको बोला जाता था रीजनल ई असेसमेंट सेंटर, दैट इज कॉल्ड रैक। तो मैं इसको बोलूंगा रैक। अब रैक कहां पे है, बहुत सारी जगह पे रैक है, मुंबई में रैक है, कोलकाता में रैक है, अहमदाबाद में ये लोग रैक बना सकते हैं। तो इनको सीबीडीटी को जितने चाहिए उतने वो लोग क्या बना सकते हैं, रैक बना सकते हैं, दैट इज रीजनल फेसलेस असेसमेंट सेंटर। अब एक चीज समझना, हर रैक के अंडर, मींस एवरी रैक के अंडर चार यूनिट रहेगी। वन यूनिट इज नोन एज द असेसमेंट यूनिट, वन इज वेरिफिकेशन यूनिट, वन इज वेरिफिकेशन यूनिट, वन इज द टेक्निकल यूनिट, एंड वन इज द रिव्यू यूनिट। मींस हर रैक के अंडर चार यूनिट रहेगी, वन इज द असेसमेंट यूनिट, वन इज द वेरिफिकेशन यूनिट, वन इज द टेक्निकल यूनिट, वन इज द रिव्यू यूनिट। तो हर रैक के अंडर वही एक तो असेसमेंट यूनिट रहेगा तुम्हारा, दूसरा वेरिफिकेशन यूनिट, टेक्निकल यूनिट एंड रिव्यू यूनिट। असेसमेंट यूनिट, वेरिफिकेशन यूनिट, टेक्निकल यूनिट एंड रिव्यू यूनिट। अब एक चीज समझना, क्वेश्चन ये आता है कि सर एक बात बताओ, ये जो नेशनल ई असेसमेंट सेंटर है या नेशनल फेसलेस असेसमेंट सेंटर है, इसका फंक्शन क्या होता है? ये एक नेशनलाइज्ड बॉडी है जो पूरा फेसलेस असेसमेंट है उसको मैनेज करेगी, उसके अंडर जो होते हैं वो तुम्हारे रैक होते हैं। अब एक बात समझना, जो तुम्हारा ये नैक होता है ना, उसका इंचार्ज कौन रहता है? PCCIT, सबसे बड़ा ऑफिसर, या फिर PDGIT। PCCIT या PDGIT है वो इसका इंचार्ज रहता है, उसके अंडर है, वो रैक रहेंगे। इन रैक के इंचार्ज कौन रहेंगे, या तो CCIT या तुम्हारा DGIT। जो CCIT DGIT है वो यहां पे रैक के इंचार्ज रहेंगे। अब एक बात समझना, रैक के अंडर में चार यूनिट होती है। सबसे पहली यूनिट है वो असेसमेंट यूनिट। आप बोलोगे सर असेसमेंट यूनिट का काम क्या होता है, तो असेसमेंट यूनिट का मेन काम होता है असेसमेंट करना, जो पर्टिकुलर पॉइंट है उसको आइडेंटिफाई करना, उसके ऊपर उनको मटेरियल गैदर करवाना, उसके साथ साथ एनालाइज करना मटेरियल का, और उसके बाद में ड्राफ्ट ऑर्डर पास करना, ये असेसमेंट यूनिट का काम होता है। वेरिफिकेशन यूनिट का काम क्या रहता है, तो वेरिफिकेशन यूनिट का काम होता है इंक्वायरी करना, क्रॉस वेरिफिकेशन करना, बुक्स ऑफ रिकॉर्ड्स को एग्जामिन करना, विटनेसेस को एग्जामिन करना, वो वेरिफिकेशन यूनिट का काम है। उसके बाद में टेक्निकल यूनिट का काम क्या होता है कि अकाउंटेंसी, ट्रांसफर प्राइसिंग, वैल्यूएशन, उस पे टेक्निकल हेल्प करना, या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पे टेक्निकल हेल्प करना, वो टेक्निकल यूनिट का काम है। और रिव्यू यूनिट का काम क्या होता है कि जो ड्राफ्ट ऑर्डर पास होता है उसको रिव्यू करना, जो ड्राफ्ट ऑर्डर पास होता है उसको रिव्यू करना। तो ये जो चार यूनिट होती है, ये चार यूनिट के फंक्शन बताए। अब एक बात समझना, ये फेसलेस असेसमेंट चलता कैसे, ऑल पीपल जस्ट पे अटेंशन, आपका 5 मिनट इधर ध्यान दे दो, इजीली 5 मिनट में ये टॉपिक हो जाएगा। सबसे पहली चीज ये कि या तो ये नेक क्या करेगा पता है, नेक सीधा आपको 143(2) का नोटिस भेजेगा। 143(2) का नोटिस मतलब आपको स्क्रूटनी का नोटिस है, वो स्क्रूटनी का नोटिस कौन भेजेगा, नेक भेजेगा, दैट इज नेशनल फेसलेस असेसमेंट सेंटर है, वो आपको स्क्रूटनी का नोटिस भेजेगा। या फिर हुआ क्या पता है कि जैसे एओ ने
आपको आपने रिटर्न फाइल किया था 139 में रिटर्न फाइल किया था या 142-1 के रेस्पॉन्स में रिटर्न फाइल किया था या 148 के रेस्पॉन्स में रिटर्न फाइल किया था 148 वो तुम्हारा इनकम एस्केपिंग असेसमेंट उसके रेस्पॉन्स में आपने रिटर्न फाइल किया था और एओ आपको ऑलरेडी स्क्रूटनी का नोटिस सर्व कर चुका है या फिर आपको 142-1 का नोटिस भेजा था रिटर्न फाइल करने के लिए आपने उसका रिप्लाई नहीं किया करके ठीक है या फिर आपको 148 का नोटिस भेजा था और उसका आपने रिप्लाई नहीं किया फिर डिपार्टमेंट ने 142-1 का नोटिस भेज दिया आपको रिटर्न फाइल करने के लिए तो इन तीन केसेस में नैक आपको बोल सकता है कि आपका असेसमेंट है वो फेसलेस मैनर में होगा तो मेरी तरफ देखो फेसलेस असेसमेंट कब हो सकता है दो केसेस में या तो जो नैक है वो नैक ने आपको सीधा स्क्रूटनी नोटिस भेज दिया 143-2 का नैक ने आपको स्क्रूटनी नोटिस भेज दिया 143-2 का या फिर हुआ क्या कि जो एओ है उसको आपने रिटर्न फाइल किया था कौन सी सेक्शन में 139 में 142-1 में 148 के रेस्पॉन्स में और एओ ने आपको ऑलरेडी 143-2 का नोटिस सर्व करवा दिया या फिर 142-1 का नोटिस आया था आपके पास आपने उसका रिप्लाई नहीं किया या 148 का नोटिस आया था आपने उसका रिप्लाई नहीं किया तो उन्होंने 142-1 का नोटिस एओ ने इशू कर दिया तो इस केस में नैक आपको बोलेगा कि अब तुम्हारा जो असेसमेंट है वो एओ नहीं करेगा हम असेसमेंट करेंगे अंडर द फेसलेस मैनर अब एक चीज समझना अगर नैक जो है वो नैक ने आपको नोटिस भेजा था नैक ने आपको अगर नोटिस भेजा था 143-2 का तो आपको वो रीजन भी देंगे कि क्यों आपका केस है वो स्क्रूटनी के लिए सेलेक्ट हुआ है 15 डेज के अंदर अंदर आपको कोई रेस्पॉन्स देना है तो आप रेस्पॉन्स दे सकते हो अब एक चीज समझना बड़ा सिंपल है और बड़ा ईजी सा काम है यह नैक क्या करेगा जैसे ही नैक ने नोटिस भेज दिया या नैक ने आपको इंटीमेट किया वो तीन केसेस में कि आपका असेसमेंट है वो फेसलेस मैनर में होगा तो नैक क्या करेगा आपका केस है वो किसी भी रेक के अंडर जो असेसमेंट यूनिट रहेगी ना वो असेसमेंट यूनिट को आपका केस है वो अलोकेट कर देंगे ऑन द ऑटोमेटेड बेसिस ये तुम्हारा ऑटोमेटेड अलोकेटेड सिस्टम से क्या होगा कि वो केस आपका है वो असेसमेंट यूनिट के पास में चला जाएगा और ये कंप्यूटराइज बेसिस पे जाएगा इसमें नैक का भी इन्वॉल्व नहीं रहेगा कि कौन से असेसमेंट यूनिट को जा रहा है कौन सी रैक की असेसमेंट यूनिट को जा रहा है दे ऑल्सो डोंट नो तो अब आपका केस है वो मान लो इस असेसमेंट यूनिट के पास में आ गया अब ऐसा हो सकता है कि ये असेसमेंट यूनिट मुंबई में लोकेटेड है और एसएससी दिल्ली का है या एसएससी कानपुर का है और जो असेसमेंट यूनिट है मींस जो रैक है वो कोलकाता वाला है दैट इज पॉसिबल अब एक बात समझना आपका केस है वो इस असेसमेंट यूनिट के पास में आ गया तो ये असेसमेंट यूनिट अब क्या करेगी आपके केस को एनालाइज करेगी वो मटेरियल देखेगी सब चीजें देखेगी अब इस असेसमेंट यूनिट को चाहिए कि एसएससी से कुछ इंफॉर्मेशन निकालनी है एसएससी से कुछ डॉक्यूमेंटेशन निकालने हैं या किसी और पर्सन से कुछ इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंटेशन वगैरह मंगवाना है या इस असेसमेंट यूनिट को क्या करना है पता है ये जो असेसमेंट यूनिट है इस असेसमेंट यूनिट को किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे वेरिफिकेशन करवाना है वेरिफिकेशन यूनिट से या मान लो टेक्निकल हेल्प चाहिए किसी टेक्निकल यूनिट से तो क्या ये असेसमेंट यूनिट सीधा एसएससी से कांटेक्ट कर सकता है सीधा एसएससी को जाके बोल सकता है ए बाबा तेरा असेसमेंट मेरे पास है तू मुझे इंफॉर्मेशन दे दे एंड ऑल ना बाबा ना क्या ये सीधा वेरिफिकेशन यूनिट के पास जा सकता है सीधा टेक्निकल यूनिट के पास जा सकता है ना बाबा ना तो अगर मान लो ये तुम्हारा जो असेसमेंट यूनिट है इस असेसमेंट यूनिट को कुछ भी एसएससी से इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट किसी और पर्सन से इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंटेशन चाहिए या फिर वेरिफिकेशन यूनिट से कुछ वेरिफिकेशन करवाना है या टेक्निकल यूनिट से कोई टेक्निकल हेल्प चाहिए तो यह रिक्वेस्ट करेगा नैक को ये रिक्वेस्ट करेगा नैक को मिस नेशनल फेसलेस असेसमेंट सेंटर से रिक्वेस्ट करेगा और ये नैक क्या करेगा पता है नैक एसएससी को नोटिस भेजेगा या किसी अदर पर्सन को नोटिस भेजेगा या नैक जो है वो इंटीमेट करेगा किसको वेरिफिकेशन यूनिट को कौन सी वेरिफिकेशन यूनिट कोई भी वेरिफिकेशन यूनिट हो सकती है किसी भी रैक की वेरिफिकेशन यूनिट से वो वेरिफिकेशन के लिए नैक बोल सकता है अब यहां पे ऐसा हो सकता है कि असेसमेंट यूनिट कोलकाता की है बट वेरिफिकेशन यूनिट है वो मुंबई की है या टेक्निकल हेल्प चाहिए तो टेक्निकल यूनिट हो सकती है कि वो टेक्निकल यूनिट आपके है वो किसी दिल्ली की है दैट इज पॉसिबल तो यहां पे देखो समझने की कोशिश करना असेसमेंट यूनिट ने क्या किया असेसमेंट यूनिट ने बोला किसको नैक को बोला कि सर हमको इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट चाहिए एसएससी से या किसी अदर पर्सन से कुछ चाहिए या वेरिफिकेशन यूनिट से हमको वेरिफिकेशन करवाना है टेक्निकल यूनिट से हमको टेक्निकल हेल्प चाहिए तो असेसमेंट यूनिट किसको बोलेगा असेसमेंट यूनिट सीधा एसएससी के पास या वेरिफिकेशन यूनिट या टेक्निकल यूनिट के पास नहीं जा सकता वो बोलेगा नैक को और नैक क्या करेगा एसएससी को नोटिस भेजेगा और टाइम देगा इतने दिन के अंदर अंदर हमको ये इंफॉर्मेशन चाहिए ये डॉक्यूमेंट चाहिए ये हमको चाहिए वो वेरिफिकेशन यूनिट को ऑटोमेटेड अलोकेटेड सिस्टम से किसी भी रैक के अंदर वेरिफिकेशन यूनिट को आपका केस अलॉट हो जाएगा टेक्निकल यूनिट को अलॉट हो जाएगा और अब एक बात बताओ नैक के पास एसएससी से
या किसी अदर पर्सन से या वेरिफिकेशन यूनिट से या टेक्निकल यूनिट से जो भी रिपोर्ट्स आएगी वो सब किसको हैंडओवर करेगा? असेसमेंट यूनिट को। वो नैक भेजेगा असेसमेंट यूनिट को। किसको भेजेगा? असेसमेंट यूनिट को। अब असेसमेंट यूनिट क्या करेगा? सब चीजों को एनालाइज करने के बाद में वो क्या करेगा? अपना ऑर्डर पास करेगा और उस ऑर्डर को बोला जाएगा ड्राफ्ट ऑर्डर। मीन्स यहां पे असेसमेंट यूनिट है, वो असेसमेंट यूनिट ने ड्राफ्ट ऑर्डर पास किया। अब ड्राफ्ट ऑर्डर कौन सी सेक्शन में पास होगा? 143(3) में होगा। लेकिन एक बात बताओ, अगर मान लो असेसी ने कोऑपरेट नहीं किया था, मीन्स असेसी को जब नैक ने नोटिस भेजा था उसका रिप्लाई नहीं किया, या असेसी को 142(1) का रिया वाला नोटिस भेजा उसने कंप्लाई नहीं किया, असेसी को स्पेशल ऑडिट के लिए डायरेक्शन दिया था उसका कंप्लाई नहीं किया, तो उस केस में नैक जो है वो असेसमेंट यूनिट को बोलेगा, एयू को बोलेगा कि तू इसका बैड जजमेंट असेसमेंट करिए, साला रिप्लाई नहीं कर रहा अपने को करके, ठीक है, इसका तू बैड जजमेंट असेसमेंट कर करके, ठीक है। तो यहां पे असेसमेंट यूनिट जो है वो क्या करेगी? बैड जजमेंट असेसमेंट का ड्राफ्ट ऑर्डर पास करके और किसको भेज देगी? नैक को भेज देगी। अब एक बात बताओ, नैक के पास में जैसे ही ड्राफ्ट ऑर्डर आया, नेक क्या करेगा? उस ड्राफ्ट ऑर्डर को देखेगा। नेक के पास में भी कुछ सॉफ्टवेयर है और वो सॉफ्टवेयर से उसको एनालाइज करेगा कहीं सब सही है या नहीं है। अगर मान लो सब सही है, उसके बाद अगर मान लो यहां पे रिटर्न इनकम में कोई चेंज नहीं हुआ, असेसी ने रिटर्न फाइल किया था 10 लाख की इनकम बताई थी और यहां पे भी रिटर्न इनकम पे कोई चेंज नहीं हुआ, ड्राफ्ट ऑर्डर में रिटर्न इनकम पे कोई भी चेंज नहीं है, तो नॉर्मली क्या होगा पता है? कि जो भी तुम्हारा नैक है वो नैक क्या करेगा? वो ड्राफ्ट ऑर्डर को ही फाइनल ऑर्डर बना के और असेसी को भेज देगा। वो ड्राफ्ट ऑर्डर को ही फाइनल ऑर्डर बना के एसएससी को भेज देगा। या फिर कभी कभी उसको लगता है कि इस ऑर्डर में कोई वेरिएशन तो नहीं हुआ, मिस रिटर्न इनकम में कुछ वेरिएशन तो नहीं हुआ, लेकिन अगर नैक को लगता है कि नहीं नहीं एक काम करते हैं, हम इसका रिव्यू करवाना चाहते हैं, तो वो क्या करेंगे पता है? वो किसी दूसरे किसी भी रिव्यू यूनिट को, किसी भी रैक की रिव्यू यूनिट को वो ऑर्डर भेज देंगे और वो जो रिव्यू यूनिट जो होगी ना, वो रिव्यू यूनिट उस ऑर्डर को क्या करेगी? रिव्यू करेगी कि भैया जो असेसमेंट यूनिट ने ऑर्डर पास किया है क्या उसमें ऑल केस लॉज लिए है या नहीं, या उन्होंने कोई चीज डिसअलाउड की है तो उसका रीजनिंग दिया है या नहीं, ऑर्डर स्पीकिंग ऑर्डर है या नहीं। वो सब चीजें रिव्यू करने के बाद दो चीजें हो सकती है, या तो वो रिव्यू यूनिट क्या बोलेगी, नहीं नहीं असेसमेंट यूनिट ने जो किया एकदम सही है, परफेक्ट है, एकदम फैंटास्टिक है, मींस वो ऑर्डर को कॉन्कर कर देंगे। तो जैसे ही कॉन्कर कर देंगे तो वो फाइनल ड्राफ्ट ऑर्डर जो है, मतलब वो रिव्यू यूनिट ने उसको कॉन्कर कर दिया, तो वो कॉन्कर करने के बाद वो जैसे ही नैक को बोलेगा, नैक उसी को फाइनल ऑर्डर बना के और एसएससी को भेज देगा। लेकिन मान लो रिव्यू यूनिट ने यहां पे कुछ सजेशन दिए, रिव्यू यूनिट ने बोला कि नहीं नहीं इसमें तो ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए, कुछ सजेशन दिए, तो फिर नैक क्या करेगा पता है? उस केस को किसी और असेसमेंट यूनिट को अलोकेट करेगा। वो वाली असेसमेंट यूनिट नहीं जिसने पहले ऑर्डर पास किया था, वो नहीं, किसी और असेसमेंट यूनिट को अलॉट करेगा और वो दूसरी वाला असेसमेंट यूनिट जो रहेगा वो उस ऑर्डर को फाइनल करेगा। दैट इज कॉल्ड फाइनल ड्राफ्ट ऑर्डर। और वो वाला असेसमेंट यूनिट जो फाइनल ड्राफ्ट ऑर्डर है वो नैक को भेजेगा और नैक क्या करेगा? उसी फाइनल ड्राफ्ट ऑर्डर को किसको भेज देगा? एसएससी को फाइनल ऑर्डर बना के भेज देगा। लेकिन एक बात बताऊं मैं आपको, अगर मान लो जो पहली असेसमेंट यूनिट है उसने क्या किया कि जो असेसमेंट किया था, ड्राफ्ट ऑर्डर था, उस ड्राफ्ट ऑर्डर में कुछ वेरिएशन था एज कंपेयर टू द रिटर्न इनकम। जो एसएससी ने रिटर्न फाइल किया था 10 लाख पे, बट ड्राफ्ट ऑर्डर है उसमें 20 लाख आपका इनकम हो रहा था, तो उस केस में क्या होगा? जो नैक होगा, नैक या तो रिव्यू यूनिट को भेजेगा और रिव्यू वाला प्रोसेस चलेगा, या फिर रिव्यू करवाने के बाद या रिव्यू करवाने से पहले वो क्या करेंगे, एसएससी को अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देंगे। एसएससी को बोलेंगे कि हम तेरा ये ऑर्डर पास कर रहे हैं, हम ये तेरा ऑर्डर पास कर रहे हैं, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड एसएससी को देंगे और एसएससी को टाइम देंगे कि भैया इतने दिन के अंदर अंदर तू रिप्लाई कर दे। अगर एसएससी ने रिप्लाई नहीं किया उतने दिन में तो क्या होगा, जो ड्राफ्ट ऑर्डर था या फाइनल ड्राफ्ट ऑर्डर था एज पर द रिव्यू यूनिट के रिकमेंडेशन से जो पास हुआ होगा किसी और असेसमेंट यूनिट ने, दैट इज कॉल्ड फाइनल ड्राफ्ट ऑर्डर। तो जो ड्राफ्ट ऑर्डर है या फाइनल ड्राफ्ट ऑर्डर है उसी को फाइनल ऑर्डर बना के एसएससी को भेज देंगे। लेकिन एक चीज समझना, अगर एसएससी ने रिप्लाई किया और एसएससी ने बोला कि या जो आप वेरिएशन कर रहे हो इससे मैं सेटिस्फाइड नहीं हूं, एसएससी ने रिप्लाई किया, तो उस केस में एसएससी का जो रिप्लाई है वो नैक क्या करेगा, किसी और थर्ड असेसमेंट यूनिट को देगा, किसी थर्ड असेसमेंट यूनिट को देगा और वो थर्ड असेसमेंट यूनिट जो रहेगी वो क्या करेगी, उसको चेक करने के बाद उसको इनकॉर्पोरेट करेगी
अब थर्ड असेसमेंट यूनिट ने और कुछ ज्यादा वेरिएशन कर दिया तो एसएससी को वापस से अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देनी पड़ेगी। बट मान लो थर्ड असेसमेंट यूनिट जो है उसने ज्यादा वेरिएशन नहीं किया करके, ठीक है, तो उस केस में वो क्या होगा कि जो रिवाइज ड्राफ्ट ऑर्डर है वो रिवाइज ड्राफ्ट ऑर्डर वो थर्ड असेसमेंट यूनिट जो है वो क्या करेगी, थर्ड असेसमेंट यूनिट जो है वो क्या करेगी, किसको भेजेगी, थर्ड असेसमेंट यूनिट है वो किसको भेजेगी, यहां पर नैक को भेजेगी और नैक जो है वो उस ऑर्डर को फाइनल करेगा। अब एक बात समझना, जो वेरिएशन की वजह से ऑर्डर पास होता है नेक देखेगा कि एसएससी कहीं एलिजिबल एसएससी तो नहीं है, वो तुम्हारा 144C याद है डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पैनल, फॉरेन कंपनी या किसी नॉन रेजिडेंट या फिर किसी और का केस है, वो टीपीओ को ट्रांसफर हुआ था उसके रिपोर्ट की वजह से आपकी इनकम कम ज्यादा हुई याद आया, अगर वो एलिजिबल एसएससी है तो उसको नेक कभी भी फाइनल ऑर्डर नहीं भेजेगी, उसको ड्राफ्ट ऑर्डर भेजेगी। और नेक ने जैसे ही ड्राफ्ट ऑर्डर भेजा, नेक क्या करेगी, 30 डेज का वेट करेगी, 30 डेज के अंदर मान लो उसका एक्सेप्टेंस आ जाता है या कुछ भी नहीं होता करके, ठीक है, तो जिस मंथ में उसने एक्सेप्टेंस दिया या कुछ नहीं दिया उस मंथ के एंड से नेक है वो फाइनल ऑर्डर बना के उसको भेज देगी। लेकिन मान लो यहां पे एसएससी ने ऑब्जेक्शन किया किसको, डीआरपी को, तो डीआरपी के जो डायरेक्शन आएंगे वो डायरेक्शन को फॉलो करते हुए नेक क्या करेगी, किसी और असेसमेंट यूनिट को वो डायरेक्शन देके और उसके अकॉर्डिंग फाइनल ऑर्डर है वो पास हो जाएगा और वो फाइनल ऑर्डर है फिर वो एसएससी को भेजा जाएगा जब डायरेक्शन मिल गए उस मंथ के एंड से वन मंथ के अंदर अंदर। सो दिस इज द बेसिकली प्रोसेस ऑफ द फेसलेस असेसमेंट, दिस इज द प्रोसेस ऑफ द फेसलेस असेसमेंट। यहां पर जो दे रखा है उसको एज इट इज आप एक बार इसको रीड कर लोगे, जो मैंने समझाया वो आपको सब समझ में आ जाएगा। अब एक और चीज समझना, यहां पर जो भी तुम्हारा कम्युनिकेशन होगा वो कम्युनिकेशन जो है सब इलेक्ट्रॉनिक मोड में होगा, कोई भी पोस्ट कार्ड नहीं, कोई भी जाके नहीं बोल सकता, इलेक्ट्रॉनिक मोड में होगा करके, ठीक है। अब एक बात समझना, जो भी पीसीसीआईटी रहता है जो सबसे बड़ा ऑफिसर या डीजीआईटी जो इंचार्ज रहता है नेक का, उसको अगर कभी भी लगता है कि आपका केस है वो एओ को ट्रांसफर करना चाहिए जो फिजिकल फॉर्म में वो असेसमेंट करे, तो वो जब चाहे आपका केस है वो किसी भी एओ को ट्रांसफर कर सकता है किसी भी स्टेज पे करके, ठीक है। पर्सनल हियरिंग यहां पे अलाउ नहीं है, यहां पे पर्सनल हियरिंग है वो अलाउ नहीं है। लेकिन एक बात बताओ, कभी कभी अगर आपको लगता है कि नहीं यार हमको जो रिप्लाई करना है हमको ओरल सबमिशन देना है, मींस हमको जो है वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू ओरल सबमिशन देना है, तो किसी भी रैक का जो इंचार्ज रहता है सीसीआईटी या डीजीआईटी वो आपको परमिशन दे सकता है और आपको ओरल सबमिशन दिला सकता है। ओरल सबमिशन का मतलब यहां पे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से होगा, यहां ओरल सबमिशन का मतलब होता है हमेशा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से होगा। अब एक और चीज समझना सर, क्वेश्चन ये आता है कि सर जो असेसमेंट यूनिट है या वेरिफिकेशन यूनिट है या टेक्निकल यूनिट है रिव्यू यूनिट है उसमें कौन से लोग रहेंगे, तो उसमें ऑफिसर कौन रहेंगे पता है, जो असेसिंग ऑफिसर रहते थे। असेसिंग ऑफिसर कौन रहता है, एडिशनल सीआईटी या जॉइंट कमिश्नर या तुम्हारा एडिशनल डीआईटी या जॉइंट डायरेक्टर वो रहेंगे, या तुम्हारा असिस्टेंट कमिश्नर असिस्टेंट डायरेक्टर या तुम्हारा डेप्यूटी डायरेक्टर या डेप्यूटी कमिश्नर वो रहेंगे, एज वेल एज द आईटीओ है वो रहेगा, और उसके अलावा कोई और भी स्टाफ को यहां पर हायर कर सकता है, तो अगर सीबीडीटी को लगता है तो किसी और स्टाफ को भी हायर कर सकते हैं। सो दिस इज द प्रोसेस, आपको याद रखना। एग्जाम के लिए मैं आपको बताऊं ये जो चार्ट है चार्ट को आपको याद रखना है बस, इसके अलावा आपको कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं, ये चार्ट है, चार्ट को याद रखोगे आपको फेसलेस असेसमेंट सेक्शन 144B है वो आपको याद हो जाएगा। सो थैंक्स अ लॉट पीपल, यहां पे फेसलेस असेसमेंट आपका कंप्लीट हो जाता है। अब अपन कुछ नए टॉपिक पे चलते हैं और उसको रिवाइज करते हैं, दैट इज अपील एंड रिविजन। अब अपन चालू कर रहे हैं अपील एंड रिवीजन, सबसे पहले अपन पढ़ते हैं अपील। अब एक बात समझना, अपील कहां कहां होती है, सबसे पहली अपील सीआईटी अपील, उसके बाद आईटेट, हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। सर इसका कोई टाइम लिमिट होता है, आंसर इज यस, टाइम लिमिट होता है, सीआईटी अपील 30 डेज, आईटेट 60 डेज और तुम्हारा हाईकोर्ट 120 डेज और तुम्हारा सुप्रीम कोर्ट 90 डेज के अंदर अंदर। अब एक चीज समझना, जब भी आप अपील करते हो तो अपील किसी भी ऑर्डर या इंटीमेशन के अगेंस्ट में हो सकती है, लेकिन ध्यान रखना 5 ऑर्डर ऐसे हैं जिसके अगेंस्ट में अपील नहीं होती। अगर आपको इंटरेस्ट लगाया गया 234 एबीसी का उसके अगेंस्ट अपील नहीं हो सकती, या फिर 264 का रिविजनल ऑर्डर है, 264 का रिविजनल ऑर्डर उसके अगेंस्ट में अपील नहीं हो सकती, सेटलमेंट कमीशन का ऑर्डर आया उसके अगेंस्ट में अपील नहीं हो सकती, अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग का ऑर्डर आया उसके अगेंस्ट में अपील नहीं हो सकती, या फिर क्वेश्चन ऑफ फैक्ट पे आईटेट का ऑर्डर आया तो अपील नहीं हो सकती, क्योंकि क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है वो लास्ट आईटेट तक सुने जाते हैं, हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट में आप तभी जा सकते हो जब क्वेश्चन ऑफ लॉ है। क्वेश्चन ही आता है क्वेश्चन ऑफ लॉ और क्वेश्चन ऑफ फैक्ट में क्या फर्क पड़ता है, क्या फर्क होता है, जैसे आपने कोई भी परचेज का बिल डाला वो परचेज का बिल बोगस है या ट्रू है ये देखना क्या है, क्वेश्चन ऑफ फैक्ट या क्वेश्चन ऑफ लॉ, राइट आंसर इज क्वेश्चन ऑफ फैक्ट। लेकिन अगर मान लो आपने कोई रोड कंस्ट्रक्ट करवाई है किसी फैक्ट्री में, वो रोड कंस्ट्रक्शन का खर्चा है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये क्या है, क्वेश्चन ऑफ लॉ है, तो क्वेश्चन ऑफ लॉ है तो आप हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, क्वेश्चन ऑफ फैक्ट पे लास्ट फैक्ट फाइंडिंग अथॉरिटीज आईटेट। तो मैंने क्या बोला, 5 ऑर्डर
ऐसे होते हैं जिसके अगेंस्ट अपील नहीं होती, इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234 एबीसी का ऑर्डर अगर है, या फिर आपका 264 का रिविजनल ऑर्डर है, या फिर आपका तुम्हारा अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग का ऑर्डर है, सेटलमेंट कमीशन का ऑर्डर और क्वेश्चन ऑफ फैक्ट पे आईटेट का ऑर्डर। सबसे पहली अपील अपन बात करते हैं, दैट इज द सीआईटी अपील। सर सीआईटी अपील कौन करता है? एसएससी करता है। सर सीआईटी अपील कौन से ऑर्डर के अगेंस्ट में की जा सकती है? तो कोई भी असेसमेंट ऑर्डर पास किया है एओ ने उसके अगेंस्ट में, या फिर कोई तुम्हारा रेक्टिफाइड ऑर्डर अंडर सेक्शन 154 एओ ने पास किया उसके अगेंस्ट में, या फिर इंटीमेशन 143(1) या टीडीएस टीसीएस इंटीमेशन है उसके अगेंस्ट में, या कोई भी एओ लेवल के बंदे ने ऑर्डर पास किया उसके अगेंस्ट में, आप अपील में कहां पे जाओगे? सीआईटी अपील। अब एक बात समझना, सीआईटी अपील में अपील करने का टाइम लिमिट होता है 30 डेज के अंदर अंदर करके, ठीक है। जैसे ही आपको जिस ऑर्डर के अगेंस्ट में अपील में जा रहे हो वो ऑर्डर रिसीव हो जाता है, उसके 30 डेज के अंदर अंदर आप अपील कर सकते हो। लेकिन सर 30 डेज से क्या अगर मान लो डिले हो गया तो क्या डिले को कंडोन किया जा सकता है? आंसर इज यस, यहां पे सीआईटी अपील है वो आपके डिले को कंडोन कर सकता है। अब एक और चीज समझना, सर अपील कैसे होती है? तो अपील के लिए एक तुम्हारा फॉर्म लगता है, दैट इज फॉर्म नंबर 35। फॉर्म नंबर 35 के साथ में आप जिस ऑर्डर या इंटीमेशन के अगेंस्ट में अपील में जा रहे हो उसका कॉपी आपको लगाना पड़ेगा। उसके साथ में दो सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट लगते हैं, वन इज द स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट एंड वन इज द ग्राउंड ऑफ अपील। वन इज द स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट एंड वन इज द ग्राउंड ऑफ अपील। स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट में क्या होता है, आपको फैक्ट बताने पड़ते हैं आपके केस के, और ग्राउंड ऑफ अपील में यह बताना पड़ता है कि आप अपील में क्यों जा रहे हो करके, ठीक है। जैसे मान लो आप बोलते हो कि ये हाईकोर्ट के जजमेंट है जो बोलते हैं कि भैया ये खर्चा अलाउ होना चाहिए, हमारे केस में डिसअलाउड हुआ है, तो दैट इज कॉल्ड योर grounds of appeal। और उसके साथ में आपको अपील फाइलिंग फीस है वो भी पे करनी पड़ती है। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर अपील फाइलिंग फीस कितनी होती है? तो अपील फाइलिंग फीस की अगर मैं बात करूं तो आपकी जो असेस्ड इनकम है वो अगर अप टू 1 लाख है तो अपील फाइलिंग फीस इज ₹250, अगर 1 लाख से 2 लाख तक है तो 500, और 2 लाख से ज्यादा है तो ₹1000। लेकिन अपील जो है वो अगर मान लो असेस्ड इनकम से रिलेटेड नहीं है तो आपका 250 का फीस रहेगा। मींस अप टू 1 लाख तक का फीस है, अप टू 1 लाख तक का असेस्ड इनकम है तो उस केस में ₹250, 1 लाख से ज्यादा है अप टू तुम्हारा 2 लाख तक है तो उस केस में ₹500, और अगर 2 लाख से ज्यादा है तो ₹1000 है वो फीस लगेगा। लेकिन अपील है वो अगर आपकी असेस्ड इनकम से रिलेटेड नहीं है तो उस केस में 250 का फीस लगेगा। अब एक चीज समझना, ये फीस आपको पे करनी पड़ेगी, उसके बाद में आप अपील में जा सकते हो। और जब भी आप अपील में जाते हो ना गाइस, तो ये पूरा सेट आपको फाइल करना पड़ता है। आजकल तो ऑनलाइन अपील होती है, पहले ऑफलाइन होती थी, तो आपको 2 कॉपीज वहां पे देके आना पड़ता था। इस पूरे सेट को बोला जाता है मेमोरेंडम ऑफ अपील। क्या बोला जाता है? मेमोरेंडम ऑफ अपील। अब एक और चीज समझना सर, क्वेश्चन ये आता है, हमने अपील फाइल कर दी, सीआईटी अपील अपना अपील का जो ऑर्डर पास करेगा जजमेंट का वो कब तक करेगा? तो जजमेंट का ऑर्डर वो पास करेगा विद इन 1 ईयर फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल in which appeal was filed but wherever possible, 1 year from the end of the financial year in which appeal was filed but wherever possible, means यहाँ पे जो तुम्हारा file जो solve करने का जो time limit है appeal को, ये advisory time limit है 1 year का। so 1 year का advisory time limit है, इसका मतलब ये हुआ कि 2 साल 3 साल 4 साल बाद भी CIT appeal अपना judgment दे सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में question ये आता है कि sir जब भी हम अपील करते हैं, जब भी आप अपील करते हो तो आपकी अपील जो है वो एडमिट सीआईटी अपील तभी करेगा जब आपने एटलीस्ट अपना रिटर्न इनकम के हिसाब से टैक्स भर दिया है। आपने जो रिटर्न फाइल किया था और रिटर्न फाइल किया था तो रिटर्न इनकम पे जो टैक्स आता था एटलीस्ट वो टैक्स भर दिया है, या अगर आपने रिटर्न ही फाइल नहीं किया था तो आपको जो एडवांस टैक्स आपका बनता है एटलीस्ट उतना टैक्स भरना चाहिए, तभी आपकी सीआईटी अपील है वो अपील एडमिट करता है। बट अगर मान लो एडवांस टैक्स आपने जितना आता है उतना नहीं भरा एडवांस टैक्स, तो भी बहुत बार अगर आप रिक्वेस्ट करते हो तो सीआईटी अपील है वो की अपील को एडमिट कर सकता है। अब एक चीज समझना सर, जैसे असेसमेंट ऑर्डर आया था और असेसमेंट ऑर्डर की वजह से क्या हुआ था, असेसमेंट ऑर्डर आया था उसकी वजह से आपकी डिमांड निकल गई है, क्योंकि असेसमेंट ऑर्डर में कुछ चीजें डिसअलाउड हुई, आपकी डिमांड आई। अब डिमांड जैसे ही आपको डिमांड नोटिस मिलता है अंडर सेक्शन 156, 30 डेज के अंदर अंदर आपको पे करना पड़ता है, अदरवाइज आप एसएससी एंड डिफॉल्ट बन जाते हो, रिकवरी प्रोसीडिंग चालू हो जाती है एंड ऑल। सो क्वेश्चन यहां पे ये आता है कि सर जैसे मान लो हमारा डिमांड नोटिस आया लेकिन हमने क्या किया, अपील में चले गए, तो क्या वो डिमांड पे स्टे ले सकते हैं? नहीं, डिमांड पे स्टे का मतलब होता है कि डिमांड को रुक जाना, क्या डिमांड को हम रुकवा सकते हैं या नहीं? आंसर इज यस। उसके लिए आप या तो असेसिंग ऑफिसर से एप्लीकेशन कर दो और असेसिंग ऑफिसर को बोलोगे प्लीज हम अभी डिमांड पे नहीं करेंगे क्योंकि हम सीआईटी अपील में गए, हमको लगता है वहां हम जीत जाएंगे, तो प्लीज आप डिमांड पे थोड़ा स्टे दे दो ना, या फिर आप सीआईटी अपील को भी रिक्वेस्ट कर सकते हो। और सीआईटी अपील एज वेल एज असेसिंग ऑफिसर दोनों के पास पावर है कि वो आपको स्टे दे सकते हैं, दोनों के पास पावर है कि वो आपको स्टे दे सकते हैं। यू गॉट माय पॉइंट और नॉट? यस। प्रैक्टिकल लाइफ में क्या होता है, आपसे 20-25% टैक्स भरवाया जाता है और उसके बाद आपको स्टे है वो नॉर्मली मिल जाता है। अब एक और चीज समझना,
अब आगे जाके फेसलेस अपील होने वाली है। फेसलेस अपील कैसे होगी, क्या होगी, वो अपन आज ही पढ़ेंगे फेसलेस अपील वाले पार्ट में। उसके आगे बढ़ते हैं, दैट इज द आईटेट अपील। तो आईटेट दैट इज द ट्राइब्यूनल अपील। ट्राइब्यूनल इज नॉट अ इनकम टैक्स अथॉरिटी, ध्यान रखना, ट्राइब्यूनल इज नॉट अ इनकम टैक्स अथॉरिटी। ट्राइब्यूनल है वो एक अलग अथॉरिटी है, इनकम टैक्स अथॉरिटी नहीं है। अब एक चीज समझना, सीआईटी अपील हमेशा एक ही बंदा होता है जो जजमेंट देता है, लेकिन आईटेट में क्या होता है, पैनल ऑफ जजेस होते हैं, वहां पे पैनल बैठता है। पैनल ऑफ जजेस में मींस आपका दो है, तीन है, चार है, पांच है, वैसे मतलब जजेस रहते हैं। अब एक चीज समझना, नॉर्मली क्या होता है, हर जजमेंट दो जज देते हैं, दैट इज कॉल्ड डिविजनल बेंच। एक होता है अकाउंटेंट मेंबर और एक होता है तुम्हारा जुडिशियल मेंबर। लेकिन एक चीज समझना, कभी कभी क्या होता है, जो केस बहुत छोटा होता है जिसमें तुम्हारा असेस्ड इनकम जो है वो तुम्हारा अप टू 50 लाख है, अगर तुम्हारा जो इनकम है वो अप टू 50 लाख है, तो वहां पे सिंगल मेंबर बेंच मतलब एक जज है वो भी जजमेंट दे सकता है। लेकिन बहुत बार क्या होता है, कोई क्रूशियल मैटर होते हैं तो वहां स्पेशल बेंच बनाई जाती है। स्पेशल बेंच का मतलब होता है जिस बेंच में 3, 5, 7, 9, 11 जजेस होते हैं, उस बेंच को बोला जाता है स्पेशल बेंच। अब एक चीज समझना, आईटेट में जब आपको अपील में जाना है तो आईटेट में अपील में कितने दिन में जा सकते हो, जो ऑर्डर आया उसके 60 डेज के अंदर अंदर आपको आईटेट में अपील फाइल करनी पड़ती है। अब एक बात समझो, जैसे ही आप आईटेट में अपील में जाओगे, सो क्वेश्चन यहां पे ये आता है कि आईटेट में आप अपील में गए 60 डेज में नहीं जा पाए, क्या वहां डिले कंडोन हो सकता है? आंसर इज यस, आपका डिले कंडोन हो सकता है। आईटेट में आप अपील जब फाइल करोगे तो सर क्या फॉर्मेट रहेगा? तो सबसे पहले आपको फॉर्म नंबर 36 लगेगा, उसके साथ साथ में आपको जिस ऑर्डर के अगेंस्ट में अपील में जा रहे हो वो ऑर्डर का कॉपी, उसके साथ साथ में दो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट कौन कौन से, स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट और ग्राउंड्स ऑफ अपील है वो, और उसके साथ में आपको अपील फाइलिंग फीस भी लगेगी। सर अपील फाइलिंग फीस कितनी रहती है, तो मैं बताऊं, अगर आपका असेस्ड इनकम अप टू 1 लाख है तो 500 रुपीज, 1 लाख से 2 लाख तक है तो 1500 रुपीज, और अगर 2 लाख से ज्यादा है तो उस केस में 1% ऑफ असेस्ड इनकम बट मैक्सिमम 10,000 तक का आपको फीस लगेगा। 1% ऑफ द असेस्ड इनकम और मैक्सिमम 10,000 तक का आपको फीस लगेगा। लेकिन यहां पे एक और चीज समझना, अगर मान लो अपील किसी अदर मैटर से रिलेटेड है, असेस्ड इनकम से रिलेटेड नहीं, अपील अदर मैटर से रिलेटेड मींस जैसे मान लो ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया और वो कैंसिलेशन के अगेंस्ट में आपको अपील में जाना चाहते हो, दैट इज एनी अदर मैटर से रिलेटेड है, तो उस केस में आपको 500 रुपीज का फीस है वो लगेगा। अब एक चीज समझना सर, यहां पे जो आईटेट है वो आईटेट अपना जजमेंट कब तक देगा, तो मैं बता दूं, आईटेट हैज टू गिव द जजमेंट विद इन 4 ईयर फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच अपील वाज फाइल्ड, बट वेयर एवर पॉसिबल, ये जो 4 साल का टाइम है, वेयर एवर पॉसिबल का मतलब यहां पे ये होता है कि यहां पे बेटा 6 साल, 7 साल, 8 साल में भी दे सकते हैं, बिकॉज इट इज अ एडवाइजरी टाइम लिमिट, इट इज नॉट अ बाइंडिंग टाइम लिमिट, ये तुम्हारा एडवाइजरी टाइम लिमिट है। अब एक और चीज समझना सर, क्वेश्चन यहां पे ये आता है कि आईटेट में अपील जब फाइल करेंगे कौन से ऑर्डर के अगेंस्ट में करेंगे, तो या तो सीआईटी अपील का कोई ऑर्डर आया उसके अगेंस्ट में, या फिर तुम्हारा रिविजनल ऑर्डर आया 263 का उसके अगेंस्ट में, जो 263 का रिविजनल ऑर्डर जो पास करता है कौन, सीआईटी एडमिन, उसके अगेंस्ट में जाएंगे, या फिर तुम्हारा जो भी क्या बोलते हैं ऑर्डर आया था एओ का, और एओ का ऑर्डर आया था एंड एओ पास दैट ऑर्डर इन द डायरेक्शन विद द डीआरपी, जो डीआरपी के डायरेक्शन से ऑर्डर पास हुआ था उसके अगेंस्ट में अपील आप सीधा आईटेट में जाओगे, या फिर सीआईटी पीसीआईटी सीसीआईटी पीसीसीआईटी लेवल के बंदे ने जो भी ऑर्डर पास किया है उसके अगेंस्ट में आप अपील सीधा कहां जाओगे, आईटेट में जाओगे। अब एक और चीज समझना सर, क्वेश्चन यहां पे ये आता है कि आईटेट है वो स्टे ऑफ डिमांड दे सकता है या नहीं, सीआईटी में हम हार गए और उसकी वजह से हमारा स्टे वेकेटेड हो गया, तो क्वेश्चन ये आता है आईटेट है वो स्टे ऑफ डिमांड दे सकता है नहीं, आंसर इज यस, आईटेट स्टे ऑफ डिमांड दे सकता है। यहां पे इस साल से कुछ अमेंडमेंट है और आईटेट स्टे ऑफ डिमांड दे सकता है, बट आईटेट स्टे ऑफ डिमांड मैक्सिमम 180 डेज के लिए दे सकता है, मैक्सिमम 180 डेज के लिए आईटेट स्टे ऑफ डिमांड दे सकता है। लेकिन 180 डेज के अंदर अगर अपील रिजॉल्व नहीं होती और देयर इज नॉट अ मिस्टेक ऑन पार्ट ऑफ एसएससी, 180 डेज में रिजॉल्व नहीं हुई और उसमें एसएससी का मिस्टेक नहीं है, तो उस केस में आईटेट स्टे को एक्सटेंड भी कर सकता है, बट तुम्हारा मैक्सिमम स्टे पीरियड ओरिजिनल प्लस एक्सटेंडेड 365 डेज से ज्यादा नहीं हो सकता, मैक्सिमम स्टे पीरियड है वो 365 डेज से ज्यादा नहीं हो सकता। अब एक और चीज समझना, इस बार अमेंडमेंट ये हुआ है कि आईटेट जो 180 डेज का स्टे देता है वो स्टे तभी देगा जब एटलीस्ट आपने 20% ऑफ टैक्स पे कर दिया, मतलब जो भी तुम्हारा डिस्प्यूटेड अमाउंट था वो जो डिमांड थी उसमें से एटलीस्ट आपने 20% पे कर दिया है तो ही आईटेट आपको स्टे देगा 180 डेज का, और उसके बाद 365 तक बढ़ा सकता है अगर आपका गलती नहीं है तो। लेकिन जैसे ही 365 डेज हो जाएंगे उसके बाद वो वैकेट हो जाएगा, रिमेनिंग 80% भी आपको पे करना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब अपन आगे बढ़ते हैं और हम पढ़ रहे हैं कि सीआईटी अपील और आईटेट के पावर में क्या फर्क है, उनके जो ड्यूरासेल होते हैं वो ड्यूरासेल में क्या क्या फर्क है। तो सबसे पहली चीज ये है कि सीआईटी अपील के असेसमेंट को एनहांस कर सकता है क्या। एनहांस का मतलब होता है जैसे मान लो आपने रिटर्न फाइल किया था 10 लाख, एओ ने उसकी इनकम कर दी 20 लाख, क्या सीआईटी अपील 30 लाख कर सकता है? आंसर इज यस, सीआईटी अपील कर सकता है, सीआईटी अपील एनहांस कर सकता है, मीन्स आपके पेट में दर्द था आप वहां गए, सीआईटी अपील एक और मुक्का मार सकता है, ये सीआईटी अपील कर सकता है, आईटेट नहीं कर सकता, आईटेट एनहांस नहीं कर सकता, सीआईटी अपील एनहांस कर
कर सकता है? क्वेश्चन ही आता है क्या रिड्यूस कर सकते हैं, आंसर इज यस, तभी तो जा रहे हम, क्या ये कंफर्म कर सकते हैं, आंसर इज यस, तो रिड्यूस कर सकते हैं, कंफर्म कर सकते हैं, बट एनहांस सिर्फ सीआईटी अपील कर सकता है, आईटेट नहीं कर सकता। अब एक और चीज समझना, जो एओ ने असेसमेंट ऑर्डर पास किया था क्या उसको कैंसिल कर सकते हैं, आंसर इज यस, सीआईटी अपील भी कैंसिल कर सकता है, आईटेट भी कैंसिल कर सकता है, लेकिन क्या रेफर बैक टू एओ कर सकते हैं, वापस से तू नया असेसमेंट करके लेके आ, रेफर बैक टू एओ फॉर द फ्रेश असेसमेंट, या आईटेट कर सकता है, सीआईटी अपील नहीं कर सकता। आईटेट रेफर बैक टू द सी, रेफर बैक टू द एओ फॉर फ्रेश असेसमेंट, आईटेट कर सकता है, सीआईटी अपील रेफर बैक टू द एओ नहीं कर सकता। अब एक और चीज समझना, क्या ये जो डिले था 30 डेज 60 डेज में आपने अपील फाइल नहीं किया, उसको डिले को कंडोन कर सकते हैं, आंसर इज यस, दोनों कंडोन कर सकते हैं। अब एक और चीज समझना, क्या एडिशनल ग्राउंड्स ऑफ अपील ले सकते हैं, पहले आपने वो ग्राउंड देना भूल गए थे, बाद में आप अभी ग्राउंड देना चाहते हो ग्राउंड्स ऑफ अपील, तो क्या वो ले सकते हैं, आंसर इज यस। अब यहां पे सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट ये होता है कि क्या एडिशनल एविडेंसेस ले सकते हैं, मीन्स ऐसे एविडेंसेस जो पहले आपने इनकम टैक्स अथॉरिटी के सामने नहीं रखे थे, बट अब आप सीआईटी अपील या आईटेट के सामने रख रहे हो, तो क्या एडिशनल एविडेंसेस ये लोग ले सकते हैं या नहीं, तो मैं बता दूं सीआईटी अपील जो है वो एडिशनल एविडेंसेस ले सकता है चार केस में, चार केस करके, ठीक है, इधर देखो, जो सीआईटी अपील है वो एडिशनल एविडेंसेस ले सकता है चार केस में, कौन कौन से केस में, सबसे पहला केस कि एओ ने मांगा था बट आपने दिया नहीं, एओ ने मांगा था बट आपने दिया नहीं क्योंकि आपके पास था नहीं, मतलब हो सकता है उस टाइम एविडेंस नहीं था। दूसरा केस, अगर मान लो आपने एविडेंस दिया था बट एओ ने उसको रिजेक्ट कर दिया था। तीसरा, अगर एओ ने मांगा नहीं, आपने दिया नहीं बट आपको, आप देना चाहते थे बट आपके पास था नहीं करके, ठीक है। एंड लास्ट पार्ट, अगर मान लो एओ ने बिना अपॉर्चुनिटी बी ऑफ बीइंग हर्ड दिया आपका असेसमेंट कंप्लीट कर दिया, तो मैंने क्या बोला, देखो यहां पे सीआईटी अपील एडिशनल एविडेंसेस ले सकता है चार केस में, कौन कौन से, आपने दिया था उसने लिया नहीं, दूसरा उसने मांगा था आपने दिया नहीं क्योंकि आपके पास था नहीं, तीसरा उसने मांगा नहीं बट आपने दिया भी नहीं क्योंकि आपके पास था नहीं, या बिना अपॉर्चुनिटी दिए असेसमेंट कंप्लीट कर दिया, तो ये चार केसेस में यहां पे सीआईटी अपील आपसे एडिशनल एविडेंसेस है वो एडमिट कर सकता है। कौन कौन से चार केस, वापस बोल रहा हूं करके, ठीक है, मतलब यू सबमिटेड द एविडेंस बट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट रिजेक्टेड दैट, सेकंड they have not, मतलब they demanded that but you could not submit due to some sufficient cause, they have not demanded, you also not submitted but due to some sufficient cause or without opportunity of being heard they completed the assessment, तो ये चार केस में आपका additional evidence है वो CIT appeal ले सकता है। ITAT additional evidences दो केस में ले सकता है, पहला अगर उसको लगता है कि आपको जो assessment complete किया वो बिना opportunity of being heard दिए किया था, sufficient opportunity नहीं दी थी आपको, और दूसरा उनको ITAT को लगता है कि नहीं यार ये evidence बहुत जरूरी है assessment completion के लिए, तो उस केस में वो आपका एडिशनल एविडेंसेस है वो ले सकता है। अब एक और चीज समझना, क्या ये अपने ऑर्डर को रेक्टिफाई कर सकते हैं, क्या पहले जो ऑर्डर पास किया था उसमें कुछ मिस्टेक हो गई, मिस्टेक अपेरेंट ऑन रिकॉर्ड वगैरह है, तो क्या रेक्टिफिकेशन हो सकता है? सीआईटी अपील इनकम टैक्स अथॉरिटी होती है, रेक्टिफिकेशन 154 में होगा, दैट इज 4 ईयर फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन व्हिच ऑर्डर कंटेनिंग मिस्टेक वाज पास्ड, लेकिन आईटेट है वो रेक्टिफिकेशन कर सकता है अंडर सेक्शन 254, आईटेट है वो 254 में रेक्टिफिकेशन कर सकता है, और आईटेट का रेक्टिफिकेशन का टाइम लिमिट ध्यान रखना एग्जाम में आ सकता है, और टाइम लिमिट है 6 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन व्हिच ओरिजिनल ऑर्डर वाज पास्ड, मींस आईटेट कैन रेक्टिफाई देयर ऑर्डर विद इन 6 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन व्हिच ओरिजिनल ऑर्डर वाज पास्ड। अब एक और चीज समझना, क्या ये अपने ऑर्डर को रिव्यू कर सकते हैं, डीआरएस धोनी रिव्यू सिस्टम, क्या ये अपने ऑर्डर को रिव्यू कर सकते हैं? रिव्यू का मतलब होता है पहले कुछ और जजमेंट दे दिया, अब उनको लगता है नहीं नहीं यार दूसरा जजमेंट दे देते, इज इट लाइक दैट? आंसर इज नो, रिव्यू का पावर किसी के पास नहीं है, रिव्यू का पावर सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास है और हाईकोर्ट के पास है एज पर द मेघालय स्टील का जजमेंट, जो मेघालय स्टील का जजमेंट सुप्रीम कोर्ट का है वो बोलता है हाईकोर्ट के पास भी रिव्यू का पावर है, सिर्फ हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट है वो अपने ऑर्डर को रिव्यू कर सकता है, इसके अलावा कोई भी अपने ऑर्डर को रिव्यू है वो नहीं कर सकता। अब क्वेश्चन ये आता है क्या ये स्टे ग्रांट कर सकते हैं डिमांड पे, आंसर इज यस, सीआईटी अपील भी कर सकता है, आईटेट भी कर सकता है, बट आईटेट का टाइम लिमिट वो तुम्हारा 180 डेज 365 डेज रहेगा। क्या ये अपील को रिजेक्ट कर सकते हैं? आंसर इज यस, दोनों को लगता है टाइम में नहीं है तो उस केस में ये रिजेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद में क्या ये फर्दर इंक्वायरी कर सकते हैं? आंसर इज यस, दोनों को लगता है तो ये फर्दर इंक्वायरी कर सकते हैं, कोई डाउट नहीं है। अब एक और चीज समझना, क्या ये आगे वाले को कॉस्ट दिला सकते हैं? बहुत बार जो फर्जी अपील होती है, ठीक है, जो तुम्हारी फ्रिवोलियस अपील होती है, उस केस में क्या आगे वाले को कॉस्ट दिलाना, क्या आगे वाले को पैसा दिलाना, आप उसको परेशान कर रहे थे तो दूसरी पार्टी को कॉस्ट दिलाना कैसा कर सकते हैं? आंसर इज यस, कर सकते हैं। अब एक चीज समझना, आईटेट में जब अपील करते हो ना तो एक ऑप्शन आता है, दैट इज द मोको, मोको का मतलब होता है मेमोरेंडम ऑफ क्रॉस ऑब्जेक्शन। जैसे ही अपील डिपार्टमेंट ने की तो एसएससी के पास में ऑप्शन है कि एसएससी को जिस दिन इंटीमेशन मिलता है, जिस दिन उसको नोटिस मिलता है कि आपके अगेंस्ट में आईटेट में अपील गई है,
उस दिन से 30 डेज के अंदर अंदर अगर वो चाहे तो फॉर्म नंबर 36A में मेमोरेंडम ऑफ क्रॉस ऑब्जेक्शन फाइल कर सकता है, उसके लिए कोई भी फीस नहीं है। मेमोरेंडम ऑफ क्रॉस ऑब्जेक्शन फाइल कर सकता है, या फिर एसएससी ने आईटेट गया है तो डिपार्टमेंट के पास पावर है कि मेमोरेंडम ऑफ क्रॉस ऑब्जेक्शन फाइल कर सकता है। मेमोरेंडम क्रॉस ऑब्जेक्शन क्या होता है? बेसिकली आप ये बताना चाहते हो कि वो जो अपील आई है दैट अपील इज नॉट अ सस्टेनेबल, इट शुड नॉट बी अ सस्टेनेबल अपील, इट इज नॉट अ राइट अपील। तो आपको अगर कुछ रोना है तो उसमें रो सकते हो, किसमें? मोहकूम में। दैट इज कॉल्ड मेमोरेंडम ऑफ क्रॉस ऑब्जेक्शन। अब उसके बाद में हम आगे चलते हैं। सर अपील जो तुम्हारी क्या बोलते हैं, अब ये जो आईटेट में अपील होती है ना, आईटेट में अपील कौन करता है? डिपार्टमेंट करता है। अब ये आईटेट में जो अपील कब करनी है, कैसे करनी है, क्या होता है, ये डिसाइड पहले कैसे होता था कि पहले डिसाइड होता था कि भाई मुंबई की आईटेट में अपील कब होगी, जब मुंबई वाले डिसाइड करेंगे, मींस मुंबई के कमिश्नर वगैरह है वो डिसाइड करते थे कि हमको आईटेट में जाना है या नहीं। अगर चेन्नई का केस है तो चेन्नई वाले डिसाइड करते थे चेन्नई आईटेट में जाना है या नहीं। आगे जाके ये भी फेसलेस होगा और ये क्या होगा, पूरे इंडिया लेवल पे डिसाइड होगा, पूरे इंडिया लेवल पे सीआईटी के जजमेंट देखे जाएंगे और वो देखेंगे हमको आईटेट में जाना है या नहीं। और अगले साल से जो आईटेट है वो भी तुम्हारा फेसलेस हो गया है। चलो उसके बाद चलते हैं हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट अपील। सबसे पहली हाईकोर्ट अपील। सो हाईकोर्ट में कौन जा सकता है? अगर क्वेश्चन ऑफ लॉ है और आईटेट का ऑर्डर आया, आप हाईकोर्ट में जा सकते हो 120 डेज के अंदर अंदर। हाईकोर्ट क्या करेगा, क्वेश्चन को फ्रेम करेगा और उसके बाद क्वेश्चन ऑफ लॉ पे ही हाईकोर्ट जजमेंट दे सकता है। बाकी सब फॉर्म प्रोसीजर वगैरह है वो 1908 सिविल प्रोसीजर कोड वाला है, उसमें दे रखा है, यहां पे नहीं दे रखा करके, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट में जैसे ही हाईकोर्ट का ऑर्डर आ जाता है और हाईकोर्ट लिख के देता है कि ये अपील जो है वो सुप्रीम कोर्ट में जा सकती है, तो उस केस में आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो। सुप्रीम कोर्ट में 90 डेज के अंदर अंदर आपको जाना पड़ेगा और यहां पे भी प्रोसीजर वगैरह है वो सब तुम्हारा कहां पे, सिविल प्रोसीजर कोड 1908 में दे रखा है। Yes people, now we are going to start with the revision under section 263 and 264. So sir, 263, 264 का revision कैसे होता है, कौन करता है? All people just pay attention. एक बार इधर देखो, समझने की कोशिश करना। तो देखो, अपने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में असेसिंग ऑफिसर कौन होता है? असेसिंग ऑफिसर होता है या तो जेसी जॉइंट कमिश्नर, या फिर तुम्हारा एसीडीसी और या फिर तुम्हारा आईटीओ, ये जो लोग हैं वो असेसिंग ऑफिसर होते हैं। अब एक बात बताऊं, इनके जो बॉस होते हैं वो बॉस कौन होते हैं? या तो सीआईटी या फिर पीसीआईटी, ये बॉस होते हैं। तो ये सीआईटी और पीसीआईटी होते हैं, ये रिविजन करते हैं अंडर सेक्शन 263 और 264। तो 263 264 का रिविजन कौन कर सकता है? ये सीआईटी या पीसीआईटी कर सकते हैं, लेकिन निर्मला सीतारमण जी ने इस बार अमेंडमेंट किया और 1 नवंबर 2020 से यहां पे सीआईटी पीसीआईटी के साथ साथ में बेटा यहां पे जो सीसीआईटी और पीसीसीआईटी है वो भी रिवीजन कर सकते हैं। इस सेक्शन में इन्होंने यहां पे और एक चीज ऐड की, दैट इज द आपका जो सीसीआईटी है और पीसीसीआईटी है वो भी अब रिवीजन कर सकते हैं। तो ऑल पीपल जस्ट पे अटेंशन, मैं सबसे पहले आपको सिखाने वाला हूं, दैट इज रिवीजन अंडर सेक्शन 263। सो 263 का रिवीजन कब होता है, कैसे होता है, समझने की कोशिश करना। तो ऑल पीपल जस्ट पे अटेंशन, मान लो ये असेसिंग ऑफिसर है और इन असेसिंग ऑफिसर ने कोई ऑर्डर पास किया और वो ऑर्डर पास किया, ऑर्डर पास होने के बाद ऑब्वियसली जो इनके बॉस लोग होते हैं, बॉस लोग कौन, यहां पे सीआईटी पीसीआईटी सीसीआईटी पीसीसीआईटी, वो लोग क्या करते हैं, फाइल को चेक करते हैं, रिकॉर्ड को चेक करते हैं। और जब वो रिकॉर्ड को चेक कर रहे थे, फाइल को चेक कर रहे थे और उसको देख के लगता है कि जो एओ ने ऑर्डर पास किया है वो एरोनियस है, व्हाटएवर ऑर्डर पास बाय दिस असेसिंग ऑफिसर इज एरोनियस एंड इट इज प्रीजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू, मींस डिपार्टमेंट के लिए हार्मफुल है, डिपार्टमेंट के लिए हार्मफुल है। तो यहां पे ये सीआईटी इनके पास में, ये जो बॉस लोग हैं, इन बॉस लोग के पास में ये पावर है कि उस ऑर्डर को या तो क्या कर सकते हैं पता है, कैंसल करके और वापस रेफर बैक टू एओ फॉर द फ्रेश असेसमेंट कर सकते हैं अंडर सेक्शन 263, या फिर खुद भी वो लोग ऑर्डर पास कर सकते हैं रिविजनल ऑर्डर। तो रिविजनल ऑर्डर पास करके खुद रिवाइज कर सकते हैं या रिविजनल ऑर्डर पास करके रेफर बैक टू एओ फॉर द फ्रेश असेसमेंट, ऐसा ये लोग कर सकते हैं। और ये कब करेंगे, व्हेन दैट ऑर्डर इज प्री जुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ डिपार्टमेंट, तब 263 का रिविजन होता है। लेकिन क्वेश्चन यह होता है कि सर 263 का रिविजन कब तक हो सकता है? तो 263 का रिवीजन जो हो सकता है, वो 263 का रिवीजन हो सकता है विद इन 2 years फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, विद इन 2 years फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच ओरिजिनल ऑर्डर वॉज पास्ड बाय असेसिंग ऑफिसर। तो असेसिंग ऑफिसर ने जिस ईयर में ऑर्डर पास किया था उस ईयर के एंड से 2 साल के अंदर अंदर ये जो बॉस लोग हैं ये रिविजन कर सकते हैं। अब एक और चीज समझना सर, मान लो किसी और मैटर पर हम ऑलरेडी आगे अपील में जा चुके हैं, कोई मैटर था उस मैटर पे ऑलरेडी हम अपील में आगे जा चुके, सीआईटी अपील, आईटेट, हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, वहां जा चुके, वहां पेंडिंग है या डिसाइड हो गया है, क्या उस मैटर पे रिवीजन हो सकता है? आंसर इज नो। लेकिन बाकी वाले मैटर पे रिवीजन हो सकता है। यहां पे पार्शियल मर्जर का जो सिद्धांत है, डॉक्ट्राइन है, वो यहां कंफर्म किया हुआ है कि भैया जो मैटर आगे जा चुका है उसको छोड़ के बाकी वाले मैटर पे वो 263 कर सकता है। अब एक और चीज समझना, क्वेश्चन ये आता है सर रिकॉर्ड के बेसिस पे, जिस दिन वो बॉस लोग फाइल देख रहे हैं उस दिन उनको लगता है कि आपका ऑर्डर एरोनियस है,
तो सर रिकॉर्ड कौन सी डेट का देखा जाएगा? जो रिकॉर्ड AO1 ने ऑर्डर पास किया था उस दिन अवेलेबल था उस बेसिस पे, या जिस दिन वो फाइल चेक कर रहा है उस दिन के रिकॉर्ड के बेसिस पे? राइट आंसर है जिस दिन बॉस फाइल चेक कर रहे हैं। जिस दिन बॉस फाइल चेक कर रहे हैं और वहां रिकॉर्ड के बेसिस पे पता चलता है कि जो AO ने ऑर्डर पास किया था वो एरोनियस है एंड प्रीजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ डिपार्टमेंट है, तो उस केस में रिविजन हो सकता है। अब एक चीज समझना, चार केसेस ऐसे है जब आपका ऑर्डर जो पास किया है AO ने वो डीम टू बी एरोनियस माना जाएगा। कौन कौन से केसेस में? सबसे पहला, अगर AO ने ऑर्डर पास कर दिया विदाउट मेकिंग इंक्वायरी एंड वेरिफिकेशन जो AO को करने चाहिए थी, मींस कुछ इंक्वायरी वेरिफिकेशन जो नेसेसरी होती है करना वो किए बिना अगर AO ने ऑर्डर पास कर दिया, या फिर मान लो AO ने क्या किया कि आपको कुछ क्लेम अलाउ कर दिया, मींस कुछ खर्चा अलाउ कर दिया विदाउट चेकिंग द क्लेम, मींस उन्होंने इंक्वायरी किया ही नहीं क्लेम के बारे में और आपको कोई डिडक्शन दे दिया। तीसरा, अगर AO ने ऑर्डर पास कर दिया लेकिन विदाउट फॉलोइंग द डायरेक्शन और इंस्ट्रक्शन ऑफ द CBDT, जो CBDT के डायरेक्शन इंस्ट्रक्शन होते हैं उसको फॉलो किए बिना AO ने ऑर्डर पास कर दिया, या फिर AO ने ऑर्डर पास कर दिया हाई कोर्ट जो जुरिसडिक्शनल हाई कोर्ट है या सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है उसको फॉलो किया ही नहीं, वो जजमेंट था वो प्रीजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ SSC था, मींस SSC के लिए हार्मफुल जजमेंट था, बट उस हार्मफुल जजमेंट SSC के लिए जो था उसको फॉलो ही नहीं किया AO ने और असेसमेंट ऑर्डर पास कर दिया, तो ये चार केस में क्या होगा पता है कि जो ऑर्डर पास किया है AO ने वो डीम टू बी एरोनियस माना जाएगा और इस केस में रिविजन अंडर सेक्शन 263 हो सकता है। तो देखो बेटा, मैंने क्या बोला, चार केस ऐसे होंगे जिसमें ऑर्डर जो AO का है वो डीम टू बी एरोनियस माना जाएगा। कब? अगर उन्होंने वेरिफिकेशन किए बिना, जो इंक्वायरी वेरिफिकेशन करना था वो किए बिना ही उसने क्या किया, ऑर्डर पास कर दिया, या फिर उसने किसी क्लेम जो था, आपने कोई खर्चे का डिडक्शन लिया था, उसने क्लेम को चेक ही नहीं किया, इंक्वायरी नहीं किया और आपको डिडक्शन दे दिया, या फिर CBDT के कुछ डायरेक्शन जो इंस्ट्रक्शन थे वो उस AO ने फॉलो नहीं किए, या AO ने हाई कोर्ट जो जुरिसडिक्शनल हाई कोर्ट है या फिर सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट था उसको फॉलो नहीं किया, तो यहां पे 263 में रिविजन अंडर सेक्शन 263 है, वो बॉस लोग कर सकते हैं। अब एक और चीज समझना, एक और रिविजन होता है, दैट इज द 264 का। 264 का रिविजन क्या बोलता है कि अगर मान लो AO ने ऑर्डर पास किया, इनके बॉस लोग हैं, अब बॉस लोगों को या तो ओन मोशन लग जाता है, मींस उनको सुओ मोटो लगता है कि भाई ऑर्डर जो AO ने पास किया है उस वो SSC के लिए थोड़ा हार्मफुल है, मींस SSC को कुछ फायदा होना चाहिए था इन्होंने दिया नहीं, तो वो ओन मोशन 264 में रिवाइज करके SSC को फायदा दे सकते हैं। अब ऐसा प्रैक्टिकल लाइफ में होता नहीं। इसमें दूसरा केस ये आता है कि SSC यहां पे 264 के लिए एप्लीकेशन कर सकता है। अगर SSC को जब भी असेसमेंट ऑर्डर मिलता है उसको लगता है कि 264 होना चाहिए, मेरे लिए इस AO ने कुछ गलत किया है, तो वो 264 के एप्लीकेशन कर सकता है किसको, CIT, PCIT, CCIT या PCCIT को। अब एक चीज समझना है, यहां पे वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट क्वेश्चन, ये टाइम लिमिट क्या है? अगर ये बॉस लोग ओन मोशन रिवीजन कर रहे हैं तो वन ईयर फ्रॉम द डेट ऑन विच ऑर्डर वॉज पास बाय द AO, मीन AO ने जब ऑर्डर पास किया था उस डेट से एक साल के अंदर अंदर ओन मोशन रिविजन कर लेंगे अंडर सेक्शन 264। बट अगर SSC एप्लीकेशन कर रहा है तो SSC एप्लीकेशन कब तक कर सकता है पता है? जिस दिन SSC को ऑर्डर मिला था उस डेट से एक साल के अंदर अंदर, जिस दिन SSC को ऑर्डर मिला था उस डेट से एक साल के अंदर अंदर SSC एप्लीकेशन कर सकता है। अब अगर SSC ने एप्लीकेशन किया है देन रिविजन हैज टू बी डन विद इन वन ईयर फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच एप्लीकेशन वॉज रिसीव्ड, वन ईयर फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच एप्लीकेशन वॉज received by the department, means department जो boss लोगों को application मिला उस year के end से एक साल के अंदर अंदर वो revise कर देंगे। अब एक और चीज समझना बेटा, जो 264 का जो आपके पास right है ना, कि आप revision के लिए जा सकते हो 264 में, apply कर सकते हो boss लोगों को, ये और CIT appeal का जो right है ये mutually exclusive है, means या तो आप CIT appeal में चले जाओ या फिर आप revision में चले जाओ। और एक और चीज समझना, अगर आप revision में चाहते हो और मान लो boss लोगों ने आपको help करने से मना कर दिया, means 264 will never be harmful for you, either they will help you or refuse to help you, but ये कभी भी तुम्हारे लिए harmful नहीं हो सकता। लेकिन आपको अगर मान लो help करने से मना कर दिया तो क्या आप इसके against में appeal में जा सकते हो? Answer is no. 264 का order ऐसा होता है जो non-appealable order होता है, उसके against में आप कहीं पे भी appeal में नहीं जा सकते, कहीं पे भी आप appeal में नहीं जा सकते। अब एक चीज समझना, तो मैंने क्या बोला कि अगर मान लो आपके order में से किसी एक point पे आप already CIT appeal में जा चुके हो तो क्या बाकी वाले के लिए revision 264 में जा सकते हो? Answer is no. यहां पे total merger का सिद्धांत लगेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मान लो 264 में गए तो आप CIT अपील में नहीं जा सकते, CIT अपील में किसी एक मैटर पे भी चले गए तो फिर आप 264 में नहीं जा सकते। प्रैक्टिकल लाइफ में आप क्लाइंट को क्या एडवाइस करते हो? हमेशा CIT अपील, क्योंकि CIT अपील में हार भी गए तो ITAT है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है। लेकिन 264 में अगर आपकी हेल्प नहीं की वहां पे बॉस लोगों ने तो उस केस में आपके पास और कोई भी रेमेडीज अवेलेबल नहीं है। तो 264 में प्रैक्टिकल लाइफ में लोग कब जाते हैं? जब CIT अपील का टाइम एक्सपायर हो जाता है, क्योंकि CIT अपील का 30 डेज का टाइम है, यहां पे 1 ईयर का टाइम है। तो भैया अगर 6 महीने बाद आप अगर नींद से
जाग जाते हो और आपको लगता है कि नहीं यार कुछ करना चाहिए, तो उस केस में आप 264 में जा सकते हो करके, ठीक है। अब एक और चीज समझना, उसके बाद दो नई सेक्शन और है, एक तो 264A करके है और 264A इज अ रिविजन, फेसलेस हो जाएगा इन फ्यूचर में जाके। ये जो रिविजन अंडर सेक्शन 263 264 है, ये भी तुम्हारा फेसलेस हो जाएगा, उससे रिलेटेड नोटिफिकेशन आएगा, स्कीम आएगा, अभी तक है नहीं। उसके बाद 264B बोलता है के इफेक्ट ऑफ द ऑर्डर ऑफ द सीआईटी अपील आईटेट हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट, जो तुम्हारे ऑर्डर आते हैं आईटेट हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के वगैरह, तो एओ उसका इफेक्ट देता है। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि एओ जो है उसका इफेक्ट देता है आपके असेसमेंट में, वो इफेक्ट जो देना है वो भी सब फेसलेस हो जाएगा इन फ्यूचर, एवरीथिंग विल बी द फेसलेस, उससे रिलेटेड भी नोटिफिकेशन आएगा, अभी तक नोटिफिकेशन आया नहीं है। जो मैं ये अमेंडमेंट की बात कर रहा था कि 263-264 जो है पहले सीआईटी पीसीआईटी ही करते थे, बट अब ध्यान रखना सीसीआईटी पीसीसीआईटी भी कर सकते हैं 1/11/2020 से। उसके बाद एक सेक्शन आती है 158A। 158A क्या बोलती है कि मान लो कोई एसएससी है, उसका ऑलरेडी एक केस जो है वो हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, किसी क्वेश्चन ऑफ लॉ पे रहेगा ऑब्वियसली, सो हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट में किसी एक एसएससी का केस है वो पेंडिंग है हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट में किसी पर्टिकुलर इशू पे, सेम एसएससी का सेम मैटर पे, सेम एसएससी का सेम मैटर पे केस जो है वो अगर मान लो असेसिंग ऑफिसर के पास पेंडिंग है या सीआईटी अपील के पास पेंडिंग है या आईटेट के पास पेंडिंग है, तो आप उनको रिक्वेस्ट करो कि सर आप हमको लिख के दे दो, आप हमको लिख के दे दो, आप उनसे रिक्वेस्ट करो कि सर आप हमको लिख के दे दो कि जो हमारा हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट वाला जजमेंट आएगा उसका इफेक्ट आप इस पर्टिकुलर केस पे भी दे दोगे, ये जो पर्टिकुलर ईयर का केस है उस पे भी आप दे दोगे, ऐसा हमको लिख के दे दो। अगर वो लिख के दे देते हैं तो उस केस में आपको आगे अपील करने की जरूरत नहीं है, दैट इज कॉल्ड अवॉइडेंस ऑफ द रेपिटेटिव अपील। तो मैं क्या बोल रहा हूं, जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, मेरा एक केस है 2008-09 का, ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। अब हुआ क्या, 2010-11 पे सेम मैटर आया और एओ के पास पेंडिंग है, एओ वो खर्चे को डिसअलाउड करेगा, चल करने दे, लेकिन वापस में सीआईटी अपील, वापस आईटेट, वापस हाईकोर्ट, वापस सुप्रीम कोर्ट, यहां पे रेपिटेटिव अपील होगी। तो बेटर है एओ को बोलो कि सर प्लीज आप लिख के दे दो, आप प्लीज हमको लिख के दे दो कि जो हमारे सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आएगा उसका इंपैक्ट आप इस वाले असेसमेंट पे भी दे दोगे। तो एओ अगर आपको ऐसा लिख के दे देता है तो आपको आगे अपील में जाने की जरूरत नहीं है, दैट इज द सेक्शन 158A। उसके बाद एक सेक्शन होती है 158AA, ये क्या बोलती है, ऑल पीपल जस्ट पे अटेंशन। एक एसएससी है उसका जजमेंट आया था हाईकोर्ट के, हाईकोर्ट का जजमेंट आया था एक एसएससी के केस में, मान लो मेरे केस में हाईकोर्ट का जजमेंट आया था, उसमें मैं जीत गया, डिपार्टमेंट सुप्रीम कोर्ट चला गया, केस सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, सेम एसएससी सेम मैटर पे किसी दूसरे ईयर का सीआईटी अपील का जजमेंट आया और सीआईटी अपील में भी मैं जीत गया, तो डिपार्टमेंट को कहां जाना चाहिए, आईटेट में जाना चाहिए। आईटेट में जाने का टाइम लिमिट क्या है, 60 डेज है, तो डिपार्टमेंट को 60 डेज में आईटेट में जाना चाहिए, लेकिन डिपार्टमेंट मुझे बोलता है, मुझसे रिक्वेस्ट करता है कि बीबी सर आपका जब एक केस सेम इशू पे ऑलरेडी पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट में, तो अगर आप बोलते हो तो आईटेट में अब हम नहीं जाते, वो दूसरा वाला केस जो है ना मेरा सेम मैटर पे सेम एसएससी का किसी दूसरे साल का, हम अभी आईटेट में नहीं जाते, हम आईटेट में जाएंगे जब वो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ जाएगा तब। अगर मैं बोल देता हूं ओके कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से जाएंगे, जब सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आएगा तब तुम चले जाना, तो वो लोग क्या करेंगे, डिपार्टमेंट वाले आईटेट को भी इंटीमेट कर लेंगे कि आईटेट में अब हम नहीं आ रहे, आईटेट में तब हम आएंगे जब सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आएगा। अब वो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया, वो मान लो मेरे फेवर में आ गया, ठीक है, तो डिपार्टमेंट आईटेट में नहीं जाएगा, बट सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट अगर मेरे अगेंस्ट में आ गया तो डिपार्टमेंट आईटेट में जाएगा और आईटेट जो ऑर्डर पास करेगा वो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के अकॉर्डिंग कर लेगा। यू गॉट माई पॉइंट और नॉट? यस, दिस इज द सेक्शन 158AA करके, ठीक है। उसके बाद में एक सेक्शन हुआ करती है 268A क्या बोलती है कि भैया डिपार्टमेंट जो अपील करता है ना, डिपार्टमेंट छोटे छोटे केसेस में अपील नहीं करता, डिपार्टमेंट तभी अपील करता है जब डिपार्टमेंट को लगता है कि जो टैक्स इफेक्ट इन्वॉल्व है, मतलब डिपार्टमेंट को जो फायदा होने वाला है वो पर्टिकुलर लिमिट से ज्यादा है, डिपार्टमेंट को जो फायदा होने वाला है वो पर्टिकुलर लिमिट से ज्यादा है तो ही डिपार्टमेंट अपील में जाता है, अदरवाइज डिपार्टमेंट अपील में नहीं जाता। डिपार्टमेंट आईटेट में तब जाता है जब टैक्स इफेक्ट है वो 50 लाख से ज्यादा है, 50 लाख से ज्यादा है, वो हाईकोर्ट में तब जाते हैं जब टैक्स इफेक्ट है वो 1 करोड़ से ज्यादा है, और सुप्रीम कोर्ट में तब जाते हैं जब टैक्स इफेक्ट है वो 2 करोड़ से ज्यादा है। देखो आईटेट में कब जाते हैं जब 50 लाख से ज्यादा है, कोर्ट में कब जाते हैं जब 1 करोड़ से ज्यादा है, और सुप्रीम कोर्ट में कब जाते हैं जब 2 करोड़ से ज्यादा है। अब एक और चीज समझना, डिपार्टमेंट जो है मान लो एक एसएससी के केस में अपील में नहीं गया बट दूसरे एसएससी के केस में अपील में चला गया, तो वो दूसरा एसएससी ऐसा नहीं बोल सकता कि आप उसके केस में तो अपील में नहीं जा रहे हो, आप मेरे केस में अपील में क्यों जा रहे हो, ऐसा आप नहीं बोल सकते, ठीक है, वो डिपार्टमेंट की चॉइस है किसके केस में जाए किसके केस में नहीं जाए। दूसरी चीज, मान लो एक पर्टिकुलर एसएससी है उसके केस में एक साल में डिपार्टमेंट अपील में नहीं गया, मान लो सीआईटी में सीआईटी अपील में डिपार्टमेंट हार गया, डिपार्टमेंट आईटेट में नहीं गया, बट दूसरे साल डिपार्टमेंट आईटेट में जाना
आता है, तो आप ये नहीं बोल सकते कि लास्ट ईयर तो आप नहीं गए थे, इस बार कैसे जा रहे हो, ऐसा आप नहीं बोल सकते. ठीक है, ऐसा आप नहीं बोल सकते. दिस इज द कंप्लीशन ऑफ योर अपील टॉपिक. अब एक और चीज समझना, क्वेश्चन ये आता है कि अपीलेट अथॉरिटी में जब भी आप आईटेट में जाते हो, सीआईटी अपील में जाते हो, वहां पे आप क्या कोई फ्रेश क्लेम ले सकते हो क्या? कोई खर्चे का डिडक्शन पहले आप लेना भूल गए थे, अब आप लेना चाहते हो, ले सकते हो? आंसर इज यस, ले सकते हो. देर आर सम जजमेंट, और जजमेंट्स बोलते हैं कि अब आप आईटेट वगैरह में आप फ्रेश क्लेम ले सकते हो, लेकिन एओ के सामने नहीं ले सकते. एओ के सामने किसी भी खर्चे का डिडक्शन लेना है तो वो ओनली थ्रू द रिवाइज रिटर्न ले सकते हो, उसके अलावा कोई आपके पास में ऑप्शन नहीं है. अब अपन वापस चलेंगे तुम्हारे किस पे, फेसलेस पे. अब एक चीज समझना, अब आपका अपील भी फेसलेस हो गया है. और फेसलेस अपील कैसा होता है समझने की कोशिश करना, बड़ा सिंपल है. जैसे आपने फेसलेस असेसमेंट पढ़ा था वैसा ही कुछ है. तो देखो बेटा, फेसलेस अपील 2020, दिस इज एप्लीकेबल फॉर योर एग्जामिनेशन. ये चार्ट में दे रखा है और इसका थियरी आपको पढ़ना है. तो वॉल्यूम वन का एनेक्चर नंबर टू, एनेक्चर नंबर वन मत पढ़ना, वो पहले ई असेसमेंट था उससे रिलेटेड है. वॉल्यूम नंबर वन कॉम्पैक्ट है, उसका एनेक्चर नंबर टू जो है वो तुम्हारा फेसलेस अपील से रिलेटेड. अब एक चीज समझना, फेसलेस अपील कैसे होगी. तो फेसलेस अपील के लिए इन्होंने तीन लेवल की, वहां पे जैसे कैसा था आपको पता है, फेसलेस असेसमेंट में क्या था, सबसे ऊपर क्या था, नेशनल फेसलेस असेसमेंट सेंटर. तो यहां पे ही दिल्ली में एक सेंट्रलाइज बनाया ऑफिस, दैट इज नेशनल फेसलेस अपील सेंटर, जिसको मैं एनफेक बोलूंगा. एनफेक, एनफेक, एनफेक मीन्स नेशनल फेसलेस अपील सेंटर. अब एक चीज समझना, नेशनल फेसलेस अपील सेंटर के अंडर क्या उन्होंने रखा होगा, रीजनल फेसलेस अपील सेंटर, दैट इज आरफेक. सो एनफेक, एनफेक के अंडर क्या, आरफेक, ये रीजनल ऑफिस रहेंगे. और आरफेक के अंडर बेटा वहां पे चार यूनिट हुआ करती थी वहां पे, ठीक है, रैक के अंदर. यहां पे बेटा एक ही यूनिट है, दैट इज द अपील यूनिट. यहां पे एक ही यूनिट है, दैट इज अपील यूनिट, जिसका काम होगा अपील सुनना, सीआईटी अपील सुनना. वन और मोर सीआईटी का टीम रहता है, वन और मोर सीआईटी अपील का टीम होता है, दैट इज कॉल्ड योर अपील यूनिट. अब एक बात बताओ, अपील यूनिट का काम क्या होगा? तो अपील यूनिट का काम होगा भैया, या तो एडमिटिंग एडिशनल ग्राउंड्स ऑफ द अपील, एज वेल एज द डायरेक्शन ऑफ द नैक एंड एओ, मींस डिपार्टमेंट को डायरेक्शन देना फॉर मेकिंग फर्दर इंक्वायरीज, एज वेल एज द इंफॉर्मेशन और क्लेरिफिकेशन लेना, प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड टू द एसएससी, एनालाइजिंग द मटेरियल फर्निश्ड बाय एप्लीकेंट एंड review the draft order and all, that is the appeal unit का function होता है. अभी मैं आपको procedure सिखाता हूँ क्या होता है. All people just pay attention. देखो, अब CIT appeal जो होती है ना वो faceless हो गई. अब कैसे होगी CIT appeal? तो मैं जैसे जैसे आपको समझाता हूँ वैसे वैसे आप सुनते जाना, easily समझ जाएगा. सबसे पहले आप लोग appeal file करोगे. जैसे AO का order आया, आपने appeal file की, online appeal होती है, आपने CIT appeal online file कर दी. अब ये appeal किसके पास जाएगी पता है? NFAC के पास. NFAC, NFAC means National Faceless Appeal Center, जो दिल्ली में है. अब एनफेक क्या करेगा, आपकी अपील को किसी आरफेक के अपील यूनिट को अलॉट कर देगा. किसी भी आरफेक में जो अपील यूनिट रहेगा उसको आपकी अपील अलॉट कर देगा. अब वो अपील यूनिट के पास में आपकी अपील आ गई, मिस अपील यूनिट है वो आपकी अपील देख रहा है, सीआईटी अपील जो आपने की है वो अपील यूनिट के पास आ गई किसी आरफेक में, अलॉट किसने की है, एनफेक ने. अब एक चीज समझना, वो अपील यूनिट देखेगी कि आपने अपील फाइल की है वो मान लो 30 डेज के बाद की है, तो 30 डेज के बाद की है तो सफिशियंट रीजन अगर है तो वो आपकी अपील को एडमिट करेंगे, नहीं तो आपकी अपील को रिजेक्ट कर देंगे. तो यहां अपील यूनिट एनफेक को बोलेगी कि इनकी अपील को रिजेक्ट कर दो क्योंकि कोई सफिशियंट कॉज नहीं है 30 डेज के बाद फाइल करने का, या इनकी अपील है उसको एक्सेप्ट कर दो. या फिर कभी कभी क्या होता है, आपने जब अपील फाइल की है और आपने मान लो रिटर्न भी फाइल नहीं किया था तो आपको एडवांस टैक्स जितना अमाउंट पे करना पड़ेगा. मान लो आपने वो एडवांस टैक्स जितना अमाउंट पे नहीं किया तो अपील यूनिट बोल सकती है एनफेक को कि इनकी अपील को रिजेक्ट कर दो. बट मान लो यहां पे अपील यूनिट आपको एग्जेम्पशन दे देती है कि कोई बात नहीं, आप एडवांस टैक्स जितना अमाउंट नहीं पे करोगे तो भी चलेगा, तो उस केस में आपकी अपील है वो अपील यूनिट एडमिट कर लेगी. तो अपील यूनिट जो है वो आपकी अपील को एडमिट कर रही है, रिजेक्ट कर रही है, वो एनफेक को बताएगी. और एनफेक किसको कम्युनिकेट करेगा? एसएससी को कम्युनिकेट करेगा, और आई कैन से दैट द एप्लीकेंट को कम्युनिकेट करेगा. अब एक बात समझना, आपकी अपील है वो अभी अपील यूनिट के पास में है. अब अपील यूनिट को कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए, डॉक्यूमेंट चाहिए, कुछ एविडेंस चाहिए, या तो एसएससी से मींस अपीलेंट से, या किसी अदर पर्सन से, एज वेल एज द उनको रिपोर्ट चाहिए डिपार्टमेंट से, एओ और नैक से. एओ या नैक से, नैक मतलब वो तुम्हारा नेशनल ई असेसमेंट सेंटर, या जिसको मैंने बोला फेसलेस असेसमेंट सेंटर, फेसलेस नेशनल फेसलेस असेसमेंट सेंटर, दैट इज कॉल्ड नैक. इसलिए मैंने वहां पे नैक बोला था, यहां पे मैं एनफेक बोलूंगा. ठीक है, अब एक चीज समझना, एनफेक किसको बोलूंगा? नेशनल फेसलेस अपील सेंटर को. अब एक चीज समझना, हुआ क्या, अपील यूनिट आपकी अपील देख रही है. अब अपील यूनिट को क्या चाहिए? कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए, डॉक्यूमेंट चाहिए, एविडेंसेज चाहिए, अपीलेंट से या एनी अदर पर्सन से, डिपार्टमेंट से रिपोर्ट मंगवानी है करके. ठीक है, डिपार्टमेंट से रिपोर्ट मंगवानी ऑन द ग्राउंड्स ऑफ अपील एंड ऑल, डॉक्यूमेंट एविडेंसेज पे, एज वेल एज द
उनको डायरेक्ट करना है डिपार्टमेंट को कि हमको फर्दर इंक्वायरी वगैरह करके दो, तो अपील यूनिट किसको बोलेगी पता है? अपील यूनिट बोलेगी एनफेक को। किसको बोलेगी? एनफेक को, कि भैया आप है ना एसएससी से ये डॉक्यूमेंट लाओ, एसएससी से ये इंफॉर्मेशन लाओ, एसएससी से ये एविडेंसेस लाओ, किसी और पर्सन से ये लाओ। तो जो जो अपील यूनिट को चाहिए, अपील यूनिट डायरेक्ट उनके घर पे नहीं जा सकता, डायरेक्टली उनको कम्युनिकेट नहीं कर सकता, डायरेक्टली डिपार्टमेंट को भी कम्युनिकेट नहीं कर सकता। तो अपील यूनिट किसको कम्युनिकेट करेगा? एनफेक को। और एनफेक उन सब लोगों को कम्युनिकेट करेगा किसको? एसएससी को, एज वेल एज द डिपार्टमेंट को, नैक और एओ को, एज वेल एज द एनी अदर पर्सन को वगैरह। और जो भी उनसे इंफॉर्मेशन मिलेगी किससे? एसएससी से, डिपार्टमेंट से और एनी अदर पर्सन से, एनफेक के पास आएगी। एनफेक वो इंफॉर्मेशन किसको दे देगा? अपील यूनिट को दे देगा। अब एक चीज समझना, जैसे ही एसएससी ने मान लो कुछ एडिशनल ग्राउंड दे दिए, तो एडिशनल ग्राउंड्स है वो दे दिए, तो भैया एनफेक है वो एडिशनल ग्राउंड किसको भेजेगा? अपील यूनिट को भेजेगा। अपील यूनिट उसको चेक करेगा कि आपने जो एडिशनल ग्राउंड्स अभी दिए हैं उसका सफिशियंट कॉज है या नहीं। अगर सफिशियंट कॉज है तो वो एडिशनल ग्राउंड्स को एडमिट करेंगे, अगर सफिशियंट कॉज नहीं है तो वो रिजेक्ट कर देंगे। एडिशनल एविडेंसेज मान लो एसएससी ने दिए, तो एसएससी ने एडिशनल एविडेंसेज एनफेक को दिए, एनफेक किसको देगा? अपील यूनिट को देगा। अपील यूनिट चेक करेगा कि भैया जो भी एडिशनल एविडेंसेज दिए है वो चार 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 चार, वो एडिशनल एविडेंसेज जब आप देते हो तो वो चार कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए। पता है कि आपने दिया था उसने लिया नहीं, या उसने मांगा था आपने दिया नहीं आपके पास था नहीं, या उसने मांगा नहीं था आपने दिया भी नहीं था आपके पास था नहीं, या बिना अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दी असेसमेंट कंप्लीट कर दिया। तो अगर वो चार केस में फॉल करता है तो आपका एडिशनल एविडेंसेस है वो अपील यूनिट एडमिट करेगा। एविडेंस एडमिट करने के बाद वो एडिशनल एविडेंसेस डिपार्टमेंट को भेजेगा, वो नैक को बोलेंगे कि भैया आपने ये एडिशनल एविडेंस दिया है, तो नैक अगर चाहे, नैक या एओ चाहे तो उसको वेरीफाई कर सकते हैं, तो उसको ऑनलाइन उसको ट्रांसफर कर देंगे, वो उसको वेरीफाई करेंगे। तो ये सब चीजें करने के बाद तुम्हारी जो अपील यूनिट है ना, वो अपील यूनिट क्या करेगी? ये सब चीजें कंसिडर करने के बाद अगर अपील यूनिट कोई ऐसा ऑर्डर पास कर रहा है जहां पे एनहांस हो रही है इनकम, क्योंकि सीआईटी अपील के पास ये पावर है कि एनहांस कर सकता है, आपकी इनकम को बढ़ा सकता है, तो अगर मान लो अपील यूनिट कोई ऐसा ऑर्डर पास कर रही है जिसमें एनहांस हो रही है इनकम या लॉसेस कम हो रहा है, तो एसएससी को अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दिया जाएगा। वो एनफेक को बोलेंगे, एनफेक एसएससी को बोलेगा, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दिया जाएगा। उसके बाद जो भी उसका रिप्लाई आएगा वो वापस से अपील यूनिट को सबमिट किया जाएगा। अब अपील यूनिट ये सब कंसिडर करने के बाद में अपना एक ड्राफ्ट ऑर्डर बनाएगा, और अपील यूनिट ड्राफ्ट ऑर्डर किसको भेजेगा? एनफेक को भेजेगा। किसको भेजेगा? एनफेक को, नेशनल फेसलेस अपील सेंटर को भेजेगा। एनफेक है वो देखेगा उस ड्राफ्ट ऑर्डर को, और एनफेक को लगता है कि इसमें जो कोई ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं, तो सीधा वो एसएससी को भेज देंगे। बट अगर एनफेक को लगता है कि नहीं नहीं इसको तो रिव्यू करवाना चाहिए, तो एनफेक क्या करेगा? उस ड्राफ्ट ऑर्डर को किसी और अपील यूनिट को दे देंगे रिव्यू के लिए। एनफेक अगर चाहेगा तो वो किसी और अपील यूनिट को दे देंगे, किसके लिए? रिव्यू के लिए। और वो दूसरी वाली जो अपील यूनिट है ना, वो उस ऑर्डर को रिव्यू करेगी। अगर वो दूसरी वाली अपील यूनिट ने बोला नहीं नहीं इट्स ऑर्डर इज वेरी गुड, इट्स कॉन्कर, उन्होंने जो बोला ये सही है एकदम, तो वो रिव्यूड ड्राफ्ट ऑर्डर है वो वापस किसको जाएगा? एनफेक को। और एनफेक उसी को फाइनल ऑर्डर बना के किसको भेज देगा? अपीलेंट को, एसएससी को, एज वेल एज द डिपार्टमेंट को। अब एक बात समझना, लेकिन अगर मान लो रिव्यूड यूनिट ने बोला, रिव्यू यूनिट इज ऑल्सो अपील यूनिट, अदर अपील यूनिट है वो रिव्यू यूनिट है, वो रिव्यू यूनिट और वो वाली रिव्यू जो कर रही है वो अपील यूनिट ने बोला नहीं नहीं इसमें तो ये चेंज करना पड़ेगा, और वो अपने सजेशन किसको भेजेगा? एनफेक्ट। एनफेक्ट क्या करेगा? किसी तीसरी अपील यूनिट को भेजेगा उसको इनकॉर्पोरेट करने के लिए, किसी तीसरी अपील यूनिट को भेजेगा उसको इनकॉर्पोरेट करने के लिए, और वो फिर जो ऑर्डर भेजेंगे दैट इज कॉल्ड रिवाइज ड्राफ्ट ऑर्डर। वो रिवाइज ड्राफ्ट ऑर्डर वापस एनफेक के पास आएगा, और एनफेक उसको फिर फाइनल ऑर्डर बना के एसएससी को भेज देगा। अब एक बात समझना, ये आरफेक वाला जो ऑर्डर जो एनफेक वाला जो ऑर्डर आएगा, दैट इज नेशनल फेसलेस अपील सेंटर का ऑर्डर जो आएगा, एसएससी के पास भी आएगा, डिपार्टमेंट के पास भी आएगा। अगर आप उससे सेटिस्फाइड नहीं हो तो आप सीधा कहां जाओगे? आईटेट में, और आईटेट आपको ज्यूरिसडिक्शनल आईटेट में जाना है। ज्यूरिसडिक्शनल आईटेट का मतलब यह होता है कि मैं अगर मुंबई में हूं तो मुझे बॉम्बे आईटेट में जाना है, जो मुंबई आईटेट है मुंबई आईटेट में मुझे अपील करनी है 60 डेज के अंदर अंदर। अब एक चीज समझना, जो भी ऑर्डर आता है किसका, अपील का जो ऑर्डर है, ठीक है, अपील का जो एनफेक ने ऑर्डर पास किया, अगर उस ऑर्डर में कुछ मिस्टेक है तो क्या रेक्टिफिकेशन हो सकता है? आंसर इज यस, रेक्टिफिकेशन 154 में होता है। 154 का टाइम लिमिट होता है, 4 ईयर फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच ऑर्डर वॉज पास। अब एक चीज समझना सर, रेक्टिफिकेशन के लिए एप्लीकेशन कौन कर सकता है? या तो एसएससी कर सकता है, दैट इज कॉल्ड एप्लीकेंट,
या फिर डिपार्टमेंट कर सकता है, डिपार्टमेंट कौन, नैक या एओ कर सकता है, या फिर अपील यूनिट खुद ही कर सकती है, जिस अपील यूनिट ने पहला वाला ड्राफ्ट ऑर्डर पास किया था या फिर रिवाइज ड्राफ्ट ऑर्डर पास किया था, रिव्यू ड्राफ्ट ऑर्डर पास किया था, उनको कुछ मिस्टेक मिल जाती है तो वो एनफेक को एप्लीकेशन करेंगे कि इसमें रेक्टिफिकेशन करना चाहिए, प्लीज आप रेक्टिफिकेशन करो, तो एप्लीकेशन एनफेक को की जाएगी। एनफेक क्या करेगा, किसी अपील यूनिट को रेक्टिफिकेशन के लिए उसको अलॉट कर देंगे। अब एक चीज समझना, जब भी यहां पर रेक्टिफिकेशन होगा तो अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दी जाएगी, बट अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड किसको दी जाएगी, अगर एसएससी ने एप्लीकेशन किया है, एसएससी मींस एप्लीकेंट ने एप्लीकेशन किया है, तो डिपार्टमेंट को नैक एओ को अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दिया जाएगा। अगर मान लो डिपार्टमेंट ने एप्लीकेशन किया है, मिस नैक एओ ने एप्लीकेशन किया है, तो एसएससी को अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दिया जाएगा। लेकिन अगर मान लो इनकी अपील यूनिट ने ही एप्लीकेशन किया है, अपील यूनिट ने ही एप्लीकेशन किया है, तो बेटा यहां अपीलेंट एज वेल एज नैक एओ दोनों को अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दिया जाएगा और उसके बाद में रेक्टिफिकेशन ऑर्डर है वो पास किया जाएगा। सो दिस इज कॉल योर फेसलेस अपील का जो सिस्टम है, ये ऐसे चलेगा करके, ठीक है। अब एक बात समझना, ये जितने भी कम्युनिकेशन रहेंगे एनफेक आरफेक और अपील यूनिट के बीच में, ये सब तुम्हारा क्या रहेगा, इलेक्ट्रॉनिक मोड में रहेगा, ये सब इलेक्ट्रॉनिक मोड में रहेगा, कोई भी आप वहां सीधा नहीं जा सकते। अब एक चीज समझना, जो पीसीसीआईटी है सबसे बड़ा ऑफिसर, या तुम्हारा पीडीजीआईटी, ये लोग इंचार्ज रहते हैं एनफेक के, जो नेक के इंचार्ज है वो भी यही लोग रहते थे, एनफेक के इंचार्ज भी ये लोग रहते हैं, ये लोगों को अगर किसी भी स्टेज पे लगता है तो सीबीडीटी की अप्रूवल लेके और आपका केस किसी ज्यूरिसडिक्शनल सीआईटी अपील को ट्रांसफर कर सकते हैं। अगर इनको लगता है तो आपका केस है वो किसी ज्यूरिसडिक्शनल सीआईटी अपील है, उसको ट्रांसफर कर सकते हैं। यहां पे पर्सनल हियरिंग नहीं होगी, आप पर्सनली नहीं जा सकते। अब जब भी आपको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड मिलता है, आप अपने को एक्सप्लेन करना है, अगर मान लो डिजिटल लाइक मोड से, तो वहां वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की फैसिलिटी आपको प्रोवाइड की जा सकती है। जो सीसीआईटी या डीजीआईटी रहते हैं इंचार्ज ऑफ द आरफेक, वो आरफेक वाले आपको क्या करेंगे, वहां अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड है, वो आपको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आपको सुन सकते हैं करके, ठीक है। सो थैंक्स अ लॉट पीपल, यहां पे तुम्हारा ये तुम्हारा अपील एज वेल एज द फेसलेस अपील। आज अपन ने क्या क्या पढ़ा, सबसे पहले फेसलेस असेसमेंट पढ़ा, फिर अपन ने अपील पढ़ा, फिर तुम्हारा फेसलेस अपील पढ़ा। ये जो फेसलेस वाला पार्ट है, ये ज्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, आप एक बार ये जो चार्ट देखोगे ना, तो आपको सब चीजें समझ में आ जाएगी, मैंने क्या बोला है, कैसे बोला है, हर चीज आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है। सो थैंक्स अ लॉट पीपल, बहुत अच्छा लगा आप लोगों को पढ़ा के, आपको भी अच्छा लगा होगा करके, ठीक है। बाकी अभी हर बार बोलता हूँ, आज भी बोली रहा हूँ करके, ठीक है, कि टाइम बहुत ही कम है। टाइम लास्ट के एक दो साल जो गुजरे हैं पूरे वर्ल्ड के लिए, वो शायद इतने अच्छे नहीं रहे, बिकॉज लॉट्स ऑफ नेगेटिविटी, कोविड ये वो, अभी वैक्सीनेशन चालू हो गया है, कभी कभी ये लगता है वापस से कोविड बढ़ जाएगा एंड ऑल, बट डोंट वरी अबाउट दैट। आपका काम है पढ़ाई करना, आप सिर्फ अपने कर्म पे ध्यान दो, बिकॉज गीता में लिखा हुआ है आप अपना कर्म करो, फल की जो इच्छा है वो मत रखो, जो फ्रूट्स मिलने हैं वो अपने आप मिलने हैं, वो जो ऊपर वाला है जिसको भी आप मानते हो, ईश्वर है, अल्लाह है, वो आपको ढंग का देगा, जो आपने बोया है वही आप पाओगे। सो डोंट वरी अबाउट दैट, पढ़ाई करते रहो, आपको बहुत आगे बढ़ना है ऑब्वियसली, लेकिन वो चीज़ आपके ऐसे सर के आगे नहीं होनी चाहिए, आपके बैकग्राउंड में होनी चाहिए। मतलब आपको, अगर आप सोचते हो मुझे पास होना है फर्स्ट अटेम्प्ट में, मुझे रैंक लानी है, ये करना है, वो ऐसे सर के आगे नहीं होनी चाहिए, वो बैकग्राउंड में ज़रूर होनी चाहिए और उसके अकॉर्डिंगली आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको हर रोज़ मेहनत करनी पड़ेगी। मैंने ऐसे बहुत सारे लोग देखे जो पहले ही बोलते हैं हम तो रैंक ला लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, बट करते कुछ नहीं है। जब करने की बात आती है ना, जब मेहनत करने की बात आती है, दिन में 10 घंटे बैठने की बात आती है, तब वो नहीं हो पाता है करके, ठीक है। फिर बोलते हैं यार नहीं हो पाया, ये नहीं हो पाया, वो बहाने ढूंढते हैं करके, ठीक है। क्या ढूंढते हैं, बहाने, कि नहीं यार ये था तो कोविड था इसलिए नहीं हुआ, घर में ये प्रॉब्लम थी, घर में लाइट चली गई थी, ये हो गया था, वो हो गया था, ये सब बहाने हैं। दुनिया में मैं बताऊँ ना, लोगों ने कैसी कैसी परिस्थितियों में, कैसी कैसी सिचुएशन में पढ़ाई की है, आप सोच नहीं सकते, और वो लोग ही आगे जाके कुछ कर पाते हैं, ये चीज़ ध्यान रखना। एक चीज़ तो पक्की है, इस एग्ज़ाम में, ये सीए का एग्ज़ाम है, कौन कितना इंटेलिजेंट है उससे कोई मतलब नहीं, कौन कितनी मेहनत करता है, सही डायरेक्शन में मेहनत करता है, बड़ा पॉजिटिव होके मेहनत करता है, बड़ा खुश होके मेहनत करता है, वो क्लियर करता है। आप देख लेना, आप किसी भी फ्रेंड को एनालाइज कर लेना करके, ठीक है, जिसने ज्यादा टाइम दिया, जिसने ज्यादा मेहनत की और सही टाइम पे मेहनत की। एक और चीज़ बता दूँ, बहुत सारे लोग साल भर से पढ़ रहे होते हैं बट लास्ट के 3 महीने में डब्बा गोल हो जाता है, लास्ट के 3 महीने में पढ़ ही नहीं पाए, और वो लोग नहीं हो पाते। और मैं बता दूं, वो पहले नहीं पढ़ते थे बट लास्ट के 3-4 महीने अगर दबा के आपने पढ़ाई कर ली, वो लोग क्लियर कर जाते हैं। सो भैया सीधी सी बात है, एक ही सॉल्यूशन करके, ठीक है,
कड़ी मेहनत का कोई विकल्प नहीं, ट्रक के पीछे लिखा हुआ रहता है कि कड़ी मेहनत का कोई विकल्प नहीं। मैं आपको बोलता हूँ, कड़ी पढ़ाई जो है, मतलब जो मेहनत है वो पढ़ाई है आपके लिए, और आपको वही करना है। और ये जब कर लोगे, जब CA बन जाओगे, बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है, बहुत सारी नई नई चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, वर्ल्ड खुल रहा है पूरा वर्ल्ड करके, ठीक है, बड़ी अपॉर्चुनिटियाँ खुल रही है। कोविड की वजह से काफ़ी बिजनेसेस चेंज हो गए, बहुत सारी चीज़ें हैं वो नई हो रही है, लोग है वो वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, उसमें भी कंफर्टेबल है, बहुत सारी कॉरपोरेट चल रही है, बहुत सारे स्टार्टअप आ रहे हैं, नई नई चीज़ें हो रही है। और इस वर्ल्ड में ऑब्वियसली आगे बहुत कुछ करना है, और वो करने के लिए फटाफट एक बार ये जो एग्ज़ाम यहाँ तक आ ही चुके हैं तो इसको कंप्लीट कर ही लेते हैं, और ये कंप्लीट करने के बाद जो आपकी इच्छा है, जो आपका मन है, वो आप करिए, ठीक है। सो थैंक्स अ लॉट पीपल, आज के लिए इतना बहुत है।